ये जैसे भी मेंशन किया डॉक्टर एजाज हुसैन और ताहिर सईद हारून साहब के एक एडिटोरियल था सबसे पहले, दिस वाज द फर्स्ट पब्लिकेशन रिगार्डिंग डर्मोस्कोपी 2009। उसके बाद फिर दो तीन पब्लिकेशन टिल नाउ ये हैं इससे रिलेटेड। सो दिस इज़ द वी ऑब्जर्व डर्मेटोस्कोपी वीक इन सेप्टेम्बर 2020। सो दीज आर द बेसिक टॉपिक्स। आई मीन इनिशियली जो है ना, जब हमने स्टार्ट की डर्मोस्कोपी तो हमने इसको चार पांच इसमें सेगमेंट्स में डिवाइड किया कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स और टेक्निक्स, तो और दूसरा फिर पिगमेंटेड लीजन, नॉन पिगमेंटेड लीजन, और देन अ लिटिल बिट अबाउट ट्राइकोस्कोपी एंड एंटामोडर्मोस्कोपी। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर द फर्स्ट डिपार्टमेंटल वर्कशॉप। सो दिस वॉज द वर्कशॉप दैट आई मैंशन इन मई 2021, दिस ईयर सिक्स मंथ्स बैक। सो यू कैन सी द एंथुजियाज़म कि सारे के सारे जो है ना, आमतौर पे आप यू कैन अप्रिशिएट कि एवरीवन इज सो अटेंटिव है, तो सो एंथुजियास्टिक टू लर्न नहीं आगे आई एम द वन मेल ऑल्सो आई थिंक यू कैन सी इन नेक्स्ट। सो फीमेल के लिए तो फैसिनेटिंग है ना ये, इट्स ऑल गेम ऑफ कलर्स एंड पैटर्न्स, कि कलर्स और पैटर्न्स आपने अप्रिशिएट करने हैं और उसको उसकी इम्प्लीकेशन है सारी। So this these topics we covered in the last workshop. You can see one male in this picture. So these are the few clips of last workshop that we did. So far in Pakistan there have been this is the second workshop that we are conducting. There was one online workshop by Dr. Aisha Ghyas, Dr. Tahir Jameel at the leadership in January this year. Dermoscopy is a very effective diagnostic tool similar to stethoscope for physicians. So this is the first lesson, the first take home lesson, ki ye hamari stethoscope hai, so we have to keep it with us. Or expanding, there are so many expanding uses in dermatology are ever expanding, and the diagnosis depends on the colors and pattern recognition. And the targets are keratinocytes, melanocytes, melanin and hemoglobin. तो हमने डर्मोस्कोपी से ये स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, वी सी द केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स और मेलानिन और हीमोग्लोबिन। सो दीज आर फ्यू सजेशंस और रिकमेंडेशन रिगार्डिंग के दिस शुड बी प्रमोटेड फर्दर और दिस शुड बी पार्ट ऑफ आर डायग्नोस्टिक आर्मामेंटेरियम और दिस शुड बी पार्ट ऑफ आर करिकुलम। आल्सो करिकुलम में तो वी ऑलरेडी हैव वन फुल चैप्टर ऑन डर्मोस्कोपी इन रुक, मेलानोमा के चैप्टर के साथ एक डर्मोस्कोपी का फुल चैप्टर है, उसके अलावा फुल चैप्टर 20 में भी डर्मोस्कोपी के बारे में मटेरियल है। और इसके बाद फिर ये कि इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग दिस एज ए स्किल ऑल्सो, कि इसमें टॉक्स में भी एक आध स्टेशन मोस्ट लाइकली डर्मोस्कोपी का हुआ करेगा। सो दिस इज़ माई डिपार्टमेंट, माई डर्मेटोलॉजी टीम हेयर इन PNS शिफा। सो आई थैंक यू ऑल फॉर दिस। आई ट्राइड टू बी ब्रीफ कि मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं असल चीज़ वो अभी स्टार्ट होनी है। तो दिस वॉज द जस्ट लिटल इंट्रोडक्शन कि वाई डर्मोस्कोपी इज़ टू बी यूज। थैंक यू। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर ऑनर्ड टू हैव प्रोफेसर जन्नाज एंड डॉक्टर मंजूर विद अस। दिस इज़ अ रियली मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप सबको शायद पता नहीं होगा, आप सब बड़े बाद में जूनियर लोग हो, तो अभी आपने साइन किए, मैडम जरनाज टू माय नॉलेज इज़ द सेकंड फेलो ऑफ पाकिस्तान, आई राइट, बट आई वुड से शी इज़ द फर्स्ट फेलो, बिकॉज फर्स्ट फेलो कुडंट कंट्रीब्यूट मच टू आर स्पेशलिटी एंड शी इज़ स्टिल कंट्रीब्यूटिंग and in all capacities. So we salute ma'am to you. Thank you very much for having me. Thank you very much Madam Zarnaz to grace this occasion. It is indeed a moment of immense pleasure for us to have Madam Zarnaz with us. I think about 12 years ago when I was here as a junior specialist, Madam Zarnaz was we regularly used to invite Madam Zarnaz when Surgeon Commodore Rehan was here, and we used to arrange different events, and Madam was kind enough to grace the occasions at that time also. And so now I really thought, okay, it's time that we should
Welcome, madam, again to PNS Shifa. And madam, inshallah, in future, we also hope to see you with us. Thank you so much, madam. Well, one thing that I would like to add, ma'am, she was very hard taskmaster. She used to be very tough supervisor. Like, itni lenient examiner thi. Bilkul. It's a lenient examiner. She was so kind during exam. So now I would invite Dr. Shafia, who is our resident dermatologist. She will introduce you to various dermoscopic devices. Dr. Shafia. Assalamu alaikum. I'm Dr. Shafia, and I'm the second year resident FCPS in PNS Shifa. Today I'm going to be discussing about the basic principle, the types and the techniques. So a little bit about the introduction of the dermoscopy. It was first coined by Sapphire in 1920. So you can realize that how old is dermoscopy, and still we are exploring the horizon over there. And it was first used by Goldman in 1950 for diagnosis and follow-up melanistic nevi and cutaneous melanoma. And Behmer in 1990, it came with the first dermoscope, that was Delta 10. So already discussed that there are dermoscope can be called with so many names like epiluminescence microscopy, incident light microscopy, skin surface microscopy, or amplified surface microscopy. So when we can visualize or inspect the lesion with our naked eye, then why do we need dermoscope to visualize the structures? So as it is a non-invasive technique, so first it was used for the pigmented skin lesion, but now it's almost used for everything, every diagnosis. It provides a horizontal view of the lesion, and it enlarges the structures as compared to naked eye from 6 times to 40 times. And the widely used dermoscopes that are commercially available have a magnification of 10 to 20 times. And it increases the diagnostic accuracy between 5 to 30% as compared to biopsy. So it is used for evaluating pigmented skin lesion, non-pigmented skin lesion. We use it for entodermoscopy, like for detection of viruses, bacteria, or parasite on our skin. Trichoscopy for the diagnosis of hair disorders, and onychoscopy for diagnosis of nails disorders. So what is a dermoscope? What is the basic design, and how do it operate? There is presence of achromatic lens, which is present on mostly on the contact plate and inside the contact plate holding piece. There is an inbuilt illuminous system, which is mostly present in the handheld piece of the dermoscope. There are halogen lamps. The one we are using in our department has 4 halogen lamps. We are using dermoscope Hynek Delta 20T. There is a power supply which you connect or you charge with your USB device. And there is an inbuilt photography system in some of the dermoscope, or some of the dermoscope can even connect to your smartphones like iPhone or Androids. So what is the basic procedure, how we perform dermoscopy? Dermoscopy, there are different devices come under the name of dermoscopes. The one that we are currently using are handheld dermoscope, a stereo microscope. It is a dermoscopy connected with the microscope, and a camera or a digital imaging system to capture the photo that you are visualizing, the structure that you are visualizing through the dermoscope. So as I told you, the lens is paired with a halogen beam to give the contrasting structure light to the structure, so that it can reflect back and we can see through our naked eye. There are different immersion fluids that we need before doing the dermoscopy if we are doing the contact version.
The immersion fluids that can be used are mineral oil, alcohol 70% or water, ultrasound gel, and white soft paraffin can also be used as a linkage fluid. So what structures do we see? We can see pigmented structure within epidermis, dermo-epidermal junctions, and the superficial dermis. And apart from that, we can also decide about the size and the shape of vessels or superficial vascular plexuses. And it also can be used for the non-pigmented lesions as well. So this is the naked eye principle. Going back through the physics, the light has, when it passes through a structure, it has four properties: reflection, refraction, bioflexion, and absorption. So when the structures, when we are visualizing through our naked eye, once the light fall on the structures, it all almost all of the light is reflected back. The light reflected back, that can you can see with the blue line, that is the major portion of light that is reflected back from the surface structures, and that is perceived by our retina as an image. So without any help, the only minimum amount of light that you can see on the black, that is going towards the deeper structure, but it's not enough to be visualized by the retina. So what does a dermoscope do? A dermoscope is a glass plate or a liquid interface, the lens that is present inside the dermoscope. Now the light passes through the plate, major portion of light, then after refraction is again reflected back towards the glass plate and then finally visualized towards the naked eye, our perceptive by the retina. So this is the principle of non-polarized mode. So only from the non-polarized mode we can only visualize structures up to the epidermis, the basal layer of epidermis. Now to see the even more deeper structures, the newer dermoscopes have polarized mode. So now what happened in the polarized mode? There is a presence of glass plate, a polarizer, and a cross polarizer. It reaches the 90 degree detected from eye, the black line, as you can see. So the structures in the polarized mode we can visualize up to the papillary dermis. So different types of the dermoscopes, they are instruments without image capturing facilities and the instruments with the image capturing facilities. And there are even presence of dermoscopes, they have analytical capability as well. It means analytical capability means it will, you will see the picture and it will go through the system and the system will analyze that these structures are matching towards this diagnosis. Means it will help you in propagating, or it will help you formulating a diagnosis on itself. Then there are video dermoscope. Video dermoscope have both polarized and non-polarized probe that transmit images directly to the monitor. So you can visualize even the smallest detail of the object that you are seeing or visualizing through the dermoscope. And there is a real-time patient monitoring. You can monitor the whole skin of the patient in one go as well. And then there is stereo microscope. There's a dermoscope connected to the microscope. You can directly visualize the surface structures. After fluorescent dye, you can visualize that this any structures present up to the dermis, even reticular dermis can be visualized through the stereo microscope. So the polarized dermoscopes that commonly are using are third generation DermLite HR Pro, and this is the original version of DL400. So these are the common names when you are which are seeing the dermoscopes. These are the oil immersion dermoscopes, means you have to use a linkage fluid, otherwise they won't work. The Heine Delta dermoscopes we are currently using in our department, and the others are Linus Dermogenius and Welch Ion Epicoscope. So what's the comparison between dermoscopes and video dermoscopes and handheld?
it's a computer connection needed, and the handheld doesn't need any computer connection, and the capturing device is not needed as it's connected directly to the monitor, and the capturing device is needed, and the contact plate and linkage fluid is needed in handheld, but we don't need it in video dermoscope. There is a storage cataloging and analysis is easy with the video dermoscope. So as I have already told you, this magnifies the structures up to the 80 times of the normal naked eye comparison. So this is an handheld dermoscope, and the other one is stereomicroscope. So the techniques to use dermoscope is a non-contact technique and the contact. Non-contact, you just put your dermoscope upon the lesion, but do not touch the patient skin patient. Patient skin ko aapne touch nahin karna, you just have to place it closer to it to visualize. This is non-contact. We mostly use non-contact mode when we are suspecting even infectious disease or any disease that can be transmissible. So uske liye hum non-contact use karte. And for the contact technique, we directly place dermoscope on the patient skin. So when we are using contact, so we have to use a linkage fluid, as these are can be alcohol, can be ultrasound gel, or can be white soft paraffin and mineral oil as well. So non-contact avoid risk of nosocomial infection, but the problem is there will be poor resolution illumination, and the contact plate that we are using in our dermoscopes in Hyne Delta 20, so the simpler one, it's not graduated, but but in the Hyne Delta 20T, the other dermoscope that you are going to use is graduated. I mean, it's measured. The contact plate has measuring device, so it will tell you the lesion diameter, how much the lesion measures. So, as I have told you, the difference between non-polarized and the polarized dermoscopy. So this is the lesion, is the seborrheic keratosis. This is on the left side, you can see the starry structures that are pointed. These are milia. These are superficial structures, so they are better visualized with the non-polarized dermoscopy. And on the right side, there is a picture. You see the starry appearance disappears. So the polarized mode tells about the deeper structure. So when we switch or toggle towards the polarized mode, the myelia-like structures vanish away. So there are, keeping this in mind, there are structures that are more visualized with the non-polarized dermoscopy. These are the superficial structures, the myelia-like structures, the comedone-like openings, and blue-white veil of the melanoma. These all things will be discussed later on, so it will be explanatory afterwards. The polarized mode, what structures that we can visualize or can be enhanced by the polarized dermoscopy are vessels, the deeper structures, BCCs, SCC, the deeper whatever the cancer or melanomas, the cancerous condition are more visualized with the polarized dermoscopy. So as you can see, this is on the left side is the this is the polarized mode. You can see the white lines more prominent in the polarized mode. It is occurring in the melanoma. It's one of the diagnostic features of the melanoma. And on the right side, the white line disappears. This is non-polarized dermoscopy. So this is the dermoscope that we are using in our department, the Hyne Delta 20. It has contact plate, both contact plates, two contact plates, one for normal skin and other for sites which are less accessible, like flexures of the skin. And this is the linkage fluid that we used before performing the dermoscopy. So these are the cameras that are can be connected with the dermoscope, and you can use for capturing and saving the patient record for the future use. So these are different kinds of dermoscope that are handy, easily available, and has magnification of 10x. So
So it includes third generation Dermlite, the Dermlite DL200, DL4 and DL3. And Hyne Delta 30, Delta 1, and Hyne Delta 20T and D-scope. So understanding of the different dermoscopic feature to formulate a diagnosis, when we are visualizing any lesion through a dermoscope, we first identify its pattern, its color, and our symmetry and the lesion specific features to formulate a diagnosis. So as already discussed that the epidermis, if the lesion is present on the epidermis, it will reflect on dermoscope as a black color. If it's present at dermoepidermal junction, it will be light to dark brown. If it's in the papillary dermis, it would be blue-gray. And if it's in reticular dermis, it would be steel blue. So these are different structures. The yellow is due to scale, oil, glands, and sebaceous hyperplasia, orange red, which is suggestive of dermal granuloma. The red is due to increased or dilated vessels like angioma, rosacea, telangiectasias, and BCC. And pink is due to inflammation or vessels like psoriasis or melanoma. And white is due to increased collagen in the fibrosis, compact keratin in myelium, and seborrheic keratosis and calcium deposits in calcinosis cutis. And absence of melanin will also be represented as white. So for your practice, how can you read dermoscopy and how to interpret the diagnosis? So this is a handbook of dermoscopy. This is an excellent book. It's a very short and concise book you can start with. And this is an atlas of dermoscopy. It's also a good book to start with. So till now, the things we have discussed about dermoscopy is only about the diagnosis. Now think beyond the diagnosis. How dermoscope can help us beyond a diagnosis, beyond reaching a diagnosis. So if you have a dermoscope in your clinics, it will develop a better patient and doctor relationship because you are visualizing directly the patient's skin, you capture the image and you show it to the patient. Like this is your pre-treatment and after the treatment, you can show and you can capture the picture and show it to the patient. That it will build a confidence between your patient relationship that he will say that, okay, I'm fine and he can visualize his own skin. So ex vivo dermoscopy and derm dotting. This is the new horizon that dermoscopy is reaching. Is ex vivo dermoscopy means outside the body, and derm dotting means you are suspecting a cancer. You visualize that site with the dermoscope. You think that this is a melanoma, or do you think that this is a SCC? You make the margins through a dermoscope, whatever the margins you are seeing through the dermoscope, you take the biopsy, and then you visualize that biopsy after the taking outside the body, that which structure is you are finding suspicious. Then you mark it with the nail varnish. The histopathologist only will section that portion that you are finding suspicion on the dermoscope. So what it will do, it will lessen the time for a histopathologist to go through the whole horizontal sectioning of the tumor. As I've told you, pre and post treatment evaluation. If you are like for vitiligo, you are giving any treatment, or you are narrowband UVB you are using. So pre treatment, there would be perifollicular depigmentation, but after treatment there would be perifollicular repigmentation. If that appears, means your treatment is effective and you can strongly or you can happily proceed towards that treatment that you are using. Dermoscopy, as I have told you, for the biopsy sampling, the area which you find suspicious under the dermoscope, you can cut it and you can send it to the histopathologist.
And for dermoscopy and aesthetics, there is a newer horizon that dermoscopy is reaching is dermoscopy and aesthetics. Like for different monitoring scales, like the one that is newer development is dermoscopy assessment of photoaging scale. So you can even categorize patient how much photo damage is done according with the dermoscope. So these are the dermoscopy beyond the diagnosis. So this is all about my presentation. Thank you for the listening. So now we are going to touch a very important topic in dermatoscopy, which is dermatoscopy of pigmented lesions. So classically, as sir has already said, dermoscope was actually used for distinguishing benign and malignant pigmented lesions. Now its use has become much more elaborated, as you will see in the upcoming presentations. But this remains the mainstay till now. So now we will continue about the dermoscopy of pigmented lesions. So one of the main objectives, as we said, is to differentiate nevi, in particular the atypical or dysplastic nevi from melanoma. And it leads to detection of melanomas at an early stage and reduces the number of unnecessary biopsies of nevi. So this is a two-step algorithm for dermoscopy of pigmental lesions. In step one, we distinguish between the melanocytic and non-melanocytic lesions. And for the melanocytic lesions, we have three main important categories. One are the benign nevi, then are the suspicious ones, and then is the melanoma. So if its dermoscopic features suggest benign nevi, then you need just reassurance. But for the rest of the two cases, we can proceed to biopsy. These are the different methods that are used to interpret the dermatoscopic findings. What you are seeing in the dermatoscope, how to interpret that. So these are different methods, but mainly now we are using these last two, the revised pattern analysis and chaos and clues. We are all familiar with this ABCD methods. This is a clinical, easy to use method, but now we have much more elaborated and refined method. The most commonly used one is this revised pattern analysis. So it is a stepwise algorithm for the diagnosis of pigmented lesions. It uses a limited number of clearly defined geometric terms. It provides a clear stepwise process of analysis, assessing patterns, then colors, and finally clues. Abhi hum aage discuss karenge what are patterns, what the different colors mean, and what are the clues. So leading to a specific provisional diagnosis or alternately a limited differential diagnosis. So these are these different jo hum inme dekhenge structures kis tarah se nazar aate hain inko bhi abhi hum sabko one by one aage detail mein discuss karenge jo ye cheeze hai na ki dermatoscope mein lines nazar aayengi to unka kya matlab hai aur wo kaise nazar aayengi lines ke ye sare patterns nazar aa sakte hain then what are pseudopods circles clots dots ye aap log samajh lo abhi in sabko hum bari bari touch karenge to phir it will be very easy for you to interpret jab aap dekh rahe ho dermatoscope se aapko andar kya nazar aa raha hai to wo in cheezon ki madad se aap log find out kar loge ki iska matlab kya hai theek hai to lines mein to ye lines hain jin mein aapko is tarah se bhi nazar aa sakti hain phir ye parallel nazar aa sakti hain radiating nazar aa sakti hain curved nazar aa sakti hain ye sare patterns hum aage discuss karte hain pseudopods kya aate hain a line with a bulbous end ये लाइन है और इसके आगे ये बल्बसा एंड बना हुआ है तो दीज आर कॉल्ड सूडोपॉड्स फिर सर्कल्स क्या हैं अ कर्व लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट यानी जैसे हम इसका वो सेंटर पॉइंट लेते हैं और उससे इसके तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट कर्व्ड है क्लॉड्स किन को कहेंगे क्लॉड विल बी वेल डिफाइंड सॉलिड ऑब्जेक्ट लार्जर देन अ डॉट एंड इट कैन बी ऑफ एनी कलर एंड शेप ठीक है तो क्लॉड्स जो है डॉट्स की नस्बत लार्जर होंगे और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे सर्कल्स एम्प्टी हैं ठीक है सर्कल्स जो हैं वो आप इसको एनुलर लीजन से या टीनिया वाले लीजन से कंपेयर कर लें ठीक है जो क्लॉड्स हैं दे आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ये इसको आप डिस्कॉइड लीजन से कंपेयर कर लें ठीक है तो एंड दे आर लार्जर देन डॉट्स नाउ व्हाट आर डॉट्स डॉट्स आर एन ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू हैव अ डिसर्नेबल शेप बस जो हम कहते हैं जी डॉट्स नज़र आ रहे हैं बस तो ये डॉट्स जो हैं दे आर टू स्मॉल फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चरलेस
एक हम टर्म यूज़ करेंगे. तो स्ट्रक्चरलेस एरियाज हम उनको कहेंगे जहाँ एब्सेंस ऑफ एनी बेसिक पैटर्न है, स्ट्रक्चरलेस एरियाज. ठीक है, ये आगे आप लोग देखोगे मैलिग्नेंसीज में ये टर्म यूज़ होगी, स्ट्रक्चरलेस एरियाज. ठीक है, तो ये जो अभी हमने लाइंस के डिफरेंट पैटर्न्स दिखाए थे आपको पहले, उनकी ये डर्मोस्कोपिक व्यूज़ हैं, इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी लाइंस लग रही हैं आपको? पैरेलल. ठीक है, ये इसकी ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, ये पैरेलल लाइंस, और ये बिल्कुल ये आपको डर्मेटोस्कोप में इसी तरह से ये देखें पैरेलल पैटर्न इस तरह से नज़र आ रहा है. ठीक है, इसकी आगे हम इंटरप्रिटेशन जब हम लीजन्स डिस्कस करते हैं तो उसमें देखते हैं, क्योंकि ये पैरेलल पैटर्न जैसे आप बेनाइन लीजन और जो मेलानोमा है उसको डिस्टिंग्विश करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा. बेनाइन में अलॉन्ग द ये हमारी स्किन फ्रीजेज ही इसकी यूजली लाइन्स चल रही होती है, मेलानोमा में हैपहैज़र्ड हो जाएंगी. ये हम आगे स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे. तो दीज आर द पैरेलल लाइन्स. अच्छा, अब ये कौन सी लाइन्स लग रही हैं आपको? रेडियल. ठीक है, तो ये रेडियल लाइन देख रहे हैं हम, और ये बिल्कुल ये देखिए उसी की पिक्चर आपको डर्मेटोस्कोप पे बिल्कुल रेडिएट होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, रेडियल लाइंस. ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपको कौन सी लाइंस नज़र आ रही है? रेटिकुलर. ठीक है, तो ये इसको ये पैटर्न अप्रिशिएट करने के लिए, और ये इसको आप गौर से देखें तो इसमें सारा ये रेटिकुलेट पैटर्न, जैसे हम लिविडो रेटिकुलरिस में स्किन में देखते हैं, तो ये बिल्कुल रेटिकुलेट पैटर्न आपको इसमें नज़र आ रहा है डर्मेटोस्कोप में. अच्छा जी, अब ये कौन सी लाइंस हैं? कर्व लाइंस हैं. ठीक है, तो ये कर्व लाइंस ये बिल्कुल आपको देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डर्मेटोस्कोप में भी बिल्कुल इसी तरह कर्व लाइंस नज़र आएंगी. तो यूजली जैसे सेबेशियस हाइपरप्लासिया और इस तरह की चीज़ों में हमें कर्व लाइंस नज़र आती हैं, आगे हम सारे साथ साथ डिस्कस करते हैं. अच्छा जी, अब ये जो है ये सूडोपॉड्स आ गया. सूडोपॉड्स ये देखें, ये इसकी डर्मेटोस्कोपिक पिक्चर है, और ये सूडोपॉड्स जो हैं वो लेबल हुए हुए हैं. एंड में आप देखें तो लाइंस के आगे ये लग रहा है जैसे कोई बल्बस स्ट्रक्चर, जैसे बैडमिंटन का रैकेट होता है कि लाइन है और उसके आगे वो रैकेट वाला एरिया बना हुआ है. तो ये लाइन है और इसके आगे बल्बस स्ट्रक्चर है, और ये इधर आप लोग गौर से देखें इसकी पेरिफेरी में आप लोग देखें तो लाइंस जो आ रही हैं, और लाइंस के आखिर में जो है वो ब्रॉडनेक बन रही है जो कि बल्बस एरिया बन रहा है. तो ये इनको हम कहेंगे सूडोपॉड्स, एंड दे आर करेक्टरिस्टिक ऑफ रीड नीवस. लाइंस के जो डिफरेंट पैटर्न्स हमने स्टडी कर लिए, तो इन सब की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है. ठीक है, अब ये इसका एल्गोरिदम है कि हमने जो हम रिवाइज पैटर्न एनालिसिस पढ़ने लगे ना, तो उसमें हमने पैटर्न्स और कलर्स को किस तरह करना है. तो अब हमने पिगमेंटेड लीजन देखा डर्मेटोस्कोप से, उसमें हमें वन पैटर्न नज़र आ रहा है और उसके अंदर वन ही कलर है, सिमेट्रिकल है, तो मोस्ट लाइकली ये बेनाइन है, इसको कुछ भी फर्दर करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी. अब अगर मोर देन वन कलर्स है तो फिर उसके बाद उसकी सिमेट्री देखें, अगर वो सिमेट्रिकल है तो ज़्यादा चांस यही है कि बेनाइन है. ए सिमेट्री है तो फिर हमें उसको आगे वापसी करने की ज़रूरत होगी. और मोर देन वन पैटर्न्स हैं तो फिर आप कलर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, स्ट्रक्चर एंड उसके अरेंजमेंट्स को फिर आप चेक करेंगे कि वो किस तरह से है. ठीक है, तो इसको अभी हम आगे लीजन्स के लिहाज से देखते हैं. ठीक है, स्टेप वन में आपने देख लिया पैटर्न और कलर पे गौर करना है. एक डर्मेटोस्कोपिक इमेज आपने देखनी शुरू की, अब आपने सबसे पहले उसका देखा कि पैटर्न क्या है और उसमें कलर्स कौन से. जैसे कलर्स की सारी इंटरप्रिटेशन हमने पहले दो प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए ना, तो पैटर्न और कलर्स देख लिए. स्टेप टू में आपने उसकी सिमेट्री देख ली. ठीक है, सिमेट्री तो आसान है, हम हमेशा से पढ़ रहे हैं जो सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल वाला चीज़. ठीक है, तो अब इसमें ये जो ये लेफ्ट वाली है, ठीक है, अब इसमें पैटर्न जो हमने पहले सबसे सारे पढ़े हैं, लाइंस हैं, क्लॉड्स हैं, डॉट्स हैं, क्या है, तो इसमें वन पैटर्न नज़र आ रहा है. क्या है? क्लॉड्स. ठीक है, क्लॉड्स वो डिस्कॉइड एक्जिमा वाले लीजन्स थे. ठीक है, तो मतलब दे आर नॉट सीन इन डिस्कॉइड एक्जिमा, इससे कन्फ्यूज़ नहीं करना आप लोगों ने. इसको मैं सिर्फ सिमिली दे रही हूँ कि ये फिल्ड लीजन्स हैं, सर्कल्स जो हैं वो हॉलो लीजन्स हैं, और ये जो क्लॉड्स हैं ये फिल्ड लीजन्स हैं. ठीक है, तो ये इसमें हमें क्लॉड्स नज़र आ रहे हैं, कलर भी हमें इसमें एक ही नज़र आ रहा है, येलोइश. ठीक है, और ये इसमें जो बीच बीच में कुछ वाइटिश ये फील हो रहा है, तो ये क्लू है डायग्नोसिस ऑफ सेबोरिक केराटोसिस के लिए. ये सेबोरिक केराटोसिस की पिक्चर है डर्मेटोस्कोपिक. अच्छा, अब जो ये राइट साइड पे जो व्यू है, इसमें हमें टू पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं. सेंटर में कुछ स्ट्रक्चरलेस एरिया फील हो रहा है, पेरिफेरी में बहुत अच्छे क्लॉड्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो दो पैटर्न्स हो गए, तो थोड़ा सा ये हमें सस्पिशन की तरफ लेके जाएगा. फिर जो है इसकी लेकिन सिमेट्रिकल कंसेंट्रिक पैटर्न है. ठीक है,
तो इस तरीके से आपने सबसे पहले क्या देख लिया, पैटर्न देख लिया, उसके बाद उसकी सिमेट्री देख लेनी है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब उसके बाद क्लू, क्लू इसमें कोई है कि जो इसकी मिलिग्नेंसी की तरफ या इसकी बनाई नेचर की तरफ पॉइंट करेगा। इफ़ एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स एंड कलर्स हैज नॉट लेड टू अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस देन अ क्लू, क्लू क्या है, क्लू इज अ फीचर दैट फेवर्स वन डायग्नोसिस ओवर अनदर। अब ये हम देख लेते हैं, ये नीवस है और ये सोलर एंटिगो है, यानी फ्रैकल या इस तरह की कोई भी लीजन। तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, देर इज़ वन पैटर्न जो कि रेटिकुलर लाइंस है, ये देखिए सारा कितना अच्छा है, इसके पेरिफेरी में देखें, सेंटर में भी इवन नज़र आ रहा है, रेटिकुलेट पैटर्न पूरा बना हुआ आपको। तो सबसे पहले आपने उन्हें पैटर्न देखना था, ठीक है, कोई भी डर्मेटोस्कोपिक इमेज देख रहे हैं, सबसे पहले पैटर्न। इसमें क्या, जैसे पिछले वाले में क्लॉड्स नज़र आ रहे थे, इस इमेज में हमें रेटिकुलेट लाइंस नज़र आ रही है, ठीक है। फिर कलर हमने देखना है, पैटर्न के बाद कलर, कलर में क्या नज़र आ रहा है, ब्राउन कलर है। फिर हमने इसकी उसके बाद सिमेट्री देखनी है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल है, तो ये मोस्ट लाइकली बेनाइन लीजन है जो कि नीवस है। अब ये जो लीजन है इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, पैटर्न क्या है, इसमें कर्व लाइंस फील हो रही हैं, जो कि इसमें इमेज में शायद आप लोग देख सकें, मतलब इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें लाइंस जो है वो थोड़ी कर्व लाइक हैं, और उसमें बॉर्डर जो है वो थोड़े से एब्रप्ट हैं, यानी इतने अच्छा पैटर्न सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल तो है लेकिन ये कि इतना अच्छा पेरिफेरल ग्रेजुअली नॉन एब्रप्ट बॉर्डर्स नहीं है, तो इन दोनों का हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे डर्मेटोस्कोपी पे। ये सोलर एंटीजन है और ये नीवस है, ठीक है। फिर पेरिफेरल पैटर्न ऑफ लाइंस, इसी तरह ये सारी उसी की दोबारा प्रैक्टिस है कि क्या क्या नज़र आ रहा है, उसमें डॉट्स नज़र आ रहे हैं और क्लॉड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या नज़र आ रहा है हमें, इसमें हमें कौन सी रेडियल लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ रेडिएट करती हुई जा रही हैं, और ये सूडोपॉड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और दिस वॉज हिस्टोलॉजिकली कन्फर्म्ड एज अ रीड निवस। तो हमने शुरू में भी देखा कि सूडोपॉड्स हैं वो रीड निवस, और ये जो रेडिएटिंग लाइंस हैं, जो ये पैटर्न है ना रेडियल पैटर्न जिसको हम कहेंगे, तो रेडियल पैटर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड्स निवस। तो रीड्स नीवस में भी क्लिनिकली अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कहीं ये मेलानोमा तो नहीं है, तो अगर हमें ये रेडियल पैटर्न नज़र आ रहा है, सूडोपॉड्स नज़र आ रहे हैं और सिमेट्रिकल है, तो मोस्ट लाइकली, और कलर जो है वो उसका यूनिफॉर्म है, तो मोस्ट लाइकली वो रीड्स नीवस है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, पैटर्न इसका क्या है, ग्रे सर्कल्स इज़ अ कंपेलिंग क्लू टू मेलानोमा, सर्कल्स नज़र आ रहे हैं इसमें हमें, ये देखें, एंड हॉलो आउटलाइंस नज़र आ रही हैं, सर्कल्स, ये सारे कितने अच्छे सर्कल्स इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर इस साइड पे हमें जो है वो कर्व लाइंस नज़र आ रही हैं, ये बड़ी अच्छी कर्व लाइंस इसमें तो फील हो रही हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो वन कलर है और स्कैलर बॉर्डर हैं जो कि जैसे पहले हमने देखा था, तो ये भी सोलर एंटीजन है, ठीक है। तो सर्कल्स, अब आप ये याद रखें कि क्लू आ गया मेलानोमा के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे क्लॉड्स, तो इसमें ये बड़े अच्छे क्लॉड्स नज़र आ रहे हैं जो कि रेडिश और पर्पलिश कलर के हैं, वो ब्राउन और ब्लैक और वो सारा जो मेलानिन वाला कलर था वो नहीं है, रेडिश पर्पलिश आ गया, तो मीन्स वैस्कुलर लेजन है, हेमेंजियोमा की है। फिर ये जो ब्लू क्लॉड्स हैं वो बी सी सी है, तो ये भी दोबारा से क्लॉड्स का ही पैटर्न है, ठीक है। अब डॉट्स, डॉट्स जो था वो हमने कहा था कि बिल्कुल छोटे स्ट्रक्चर, मतलब वो जिनको हम पॉड्स नहीं कह सकते, क्लॉड्स नहीं कह सकते, जो ये डॉट्स हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसमें। तो दीज आर रेगुलर पिगमेंट नेटवर्क इन द पेरिफेरी सेंट्रल स्ट्रक्चरलेस एरिया एंड सम ब्लैक डॉट्स इन द अपर पार्ट ऑफ द लेशन, ये वाले ब्लैक डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये डॉट्स को आप रिकगनाइज कर लें, ये भी डॉट्स ही दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये डॉट्स जो हैं वो एक्चुअली ये पिक्चर थी SCC इनसाइटो की, ये इसका डर्मेटोस्कोपिक व्यू है। SCC जो यानी नॉन पिगमेंटेड मेलानिसेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, अब केओस क्या होता है, केओस जो है एसिमेट्री ऑफ पैटर्न या कलर, एंड इट इज़ असेस्ड बाई द मैटर डिस्क्राइब फॉर रिवाइज पैटर्न एनालिसिस। तो केओस हम किसको कहेंगे, एसिमेट्री ऑफ पैटर्न एंड कलर, या कलर एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है,
फिर एनी इरेगुलरिटी ऑफ द शेप ऑफ अ लीजन इज नॉट रेलेवेंट. शेप को नहीं अभी हम कंसिडर करें, हम पैटर्न और कलर. पैटर्न सारे कौन से थे जो हमने शुरू में डिस्कस किए, पॉड्स, क्लॉड्स, सुडोपॉड्स, वो चीज़ें पैटर्न में शामिल होंगी. ठीक है, तो फिर केओस ऑफ पैटर्न में मोर देन वन पैटर्न. अब पैटर्न कवरिंग अ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ द लीजन डिफाइंड एज एटलीस्ट 20%. यानी पैटर्न हम किसको कहेंगे जो एक लीजन का एटलीस्ट 20% एरिया कवर कर रहा होगा. ठीक है, ये नहीं कि एक डॉट बीच में हमें नज़र आ गया तो हम कहें इसका पैटर्न डॉट है. जो एटलीस्ट 20% ऑफ द एरिया ऑफ लीजन को कवर करेगा तो उसको हम उसका पैटर्न कह सकते हैं. ठीक है, तो 20% एरिया एक पैटर्न के लिए हमें चाहिए ना, तो देर कैन बी मोर देन वन पैटर्न एज वेल देन इन वन लीजन. ठीक है, तो मोर देन वन पैटर्न विद द पैटर्न्स बीइंग कंबाइंड एसिमेट्रिकली उसको हम कहेंगे क्योस ऑफ पैटर्न. क्योस ऑफ कलर किसको कहेंगे? मोर देन वन कलर, लाइट एंड डार्क ब्राउन. अब जो लाइट एंड डार्क शेड्स ऑफ वन कलर हैं वो एक ही कलर कंसिडर होंगे. ठीक है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, तो वो ब्राउन ही है. फिर अगर ब्लैक है दैट वुड बी अ डिफरेंट कलर. ग्रे है, वाइट है, रेड है, तो ये केओस ऑफ कलर्स विल बी मोर देन वन कलर कंबाइंड एसिमेट्रिकली. केओस में यानी कि एसिमेट्री होगी. ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी शर्त ये देखी है कि एसिमेट्री ऑफ पैटर्न और कलर या पैटर्न एंड कलर. ठीक है, अच्छा जी, ये अब एक एल्गोरिदम है ऑफ पिगमेंटेड लीजन्स टू डिसाइड वेदर एक्सीजन बायोप्सी इज इंडिकेटेड और नॉट. यहाँ पे ये स्टेरिक के साथ कुछ एक्सक्लूजन्स लिखी हुई, एक्सेप्शन टू नो इंटरवेंशन. जहाँ पे नो इंटरवेंशन का है उसमें अगर ये फीचर्स मिलेंगे तो फिर भी हम इंटरवेंशन करेंगे डिस्पाइट ये कि वो नो इंटरवेंशन वाले में जा रहा होगा. अब हमने एक पिगमेंटेड लीजन देखा, अगर तो उसमें केओस नहीं है. केओस हमने पहले डिसाइड कर लिया, केओस क्या चीज़ है? एसिमेट्री ऑफ कलर एंड पैटर्न. ठीक है, या एसिमेट्री ऑफ कलर और पैटर्न. तो अगर क्योस नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो उसमें कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन स्टिल इसमें एक्सेप्शन क्या है? चेंजिंग लीजन्स ऑन एडल्ट्स, नॉड्यूलर और स्मॉल लीजन्स विद एनी क्लू, हेड एंड नेक पिगमेंटेड सर्कल्स और डर्मेटोस्कोपी में ग्रे कलर नज़र आ रहा है या पिगमेंटेड सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, और एक्रल लीजन्स विद में पैरेलल रिज पैटर्न नज़र आ रहा है, तो उनकी हम फिर भी वापसी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया क्योस नहीं है तो मसला ख़त्म. केओस है तो फिर हमने देखना है कि क्लू है या नहीं. हमने कहा था ना मेलिग्नेंसी के लिए क्लू इंपॉर्टेंट, जैसे हम क्लूज वाली गेम भी खेलते हैं बच्चे, तो क्लू क्या मिल रहा है. तो अगर तो क्लू भी नहीं है तो फिर भी कोई ख़ास मसला नहीं है. केओस चाहे हमें लग रहा हो कि है लेकिन क्लू नहीं है तो फिर वो इतना सस्पिशियस नहीं है अगर ये वाले फैक्टर्स उसमें नहीं हैं. सही, अगर उसमें क्लू भी मिल रहा है तो क्लूज़ कौन कौन से हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं. ग्रे या ब्लू स्ट्रक्चर्स हों, फिर एसेंट्रिक स्ट्रक्चरलेस एरियाज हो, फिर थिक लाइंस, रेटिकुलर या ब्रांच्ड पैटर्न हो, ब्लैक डॉट्स और क्लॉड्स हो, और स्पेशली अगर वो पेरिफेरी में है, फिर रेडियल लाइंस, सुडोपॉड्स, फिर वाइट लाइंस, फिर पैरेलल विजेस एंड लाइंस जो एक्रल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पॉलीमॉर्फस वेसल्स हो और पॉलीगोनल शेप्स मिल रही हो, तो ये सारे क्लूज हैं हमारे. ठीक है, इनमें से कोई क्लू अगर मिल गया तो फिर हमने उसकी वापसी करनी है. अनलेस एन अनइक्विवोकल डायग्नोसिस ऑफ सेबरोकेटोसिस बाय पैटर्न एनालिसिस. तो अगर ये हमने पिगमेंटेड लीजन देखा, डर्मेटोस्कोपी की, केओस है या नहीं, केओस का क्या था? एसिमेट्री ऑफ कलर एंड पैटर्न. ठीक है, केओस है तो फिर हमने इस पे सारे के आगे प्रोसीड करना है. केओस नहीं है, काम ख़त्म. केओस मिल गया उसके बाद अब हमने क्लूज ढूंढने, ये सब क्लूज हैं, इनमें से कोई चीज़ है तो उसकी वापसी करनी पड़ेगी. अब ये क्योस एंड क्लूज की एप्लीकेशन दिखाई हुई है. ये डर्मेटोस्कोपिक इमेज है मेलानोमा का, तो इसमें हमें स्ट्रक्चरलेस पैटर्न, हमें स्ट्रक्चरलेस एरिया, इसमें कोई हमें वो क्लॉड्स नहीं फील हो रहे, कोई सुडोपॉड्स नहीं मिल रहे, डॉट्स नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हमें ये स्ट्रक्चरलेस एरिया नज़र आ रहा है. ठीक है, और क्योस नज़र आ रहा है, एसिमेट्री है कलर की भी और पैटर्न की भी. फिर क्लू क्या है? ग्रे लाइन्स. पिछली स्लाइड में हमने देखा था ना कि ये क्लूज में सबसे पहला क्लू ही ग्रे लाइन्स है. ठीक है, तो ये हमें इसमें ग्रे लाइंस का क्लू मिल रहा है तो इसको हमें वापसी करने की ज़रूरत है. ये भी लेंटिगो मेलिग्ना की डर्मेटोस्कोपिक व्यू है, या इसको हम मेलानोमा इन साइटू भी कहते हैं, फेस का ये पिक्चर है. तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? मे नॉट एग्जिबिट केओस एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लू ऑफ ग्रे सर्कल्स इज सफिशेंट टू रिक्वायर वापसी. ग्रे सर्कल्स इसमें हमें नज़र आ रहे हैं तो इसमें हमें वापसी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो फेशियल मेलानोमास में आपने ये याद रखना है कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि क्योस प्रेजेंट हो, बट स्टिल अगर आपको ग्रे उसमें नज़र आ रही हैं चीज़ें तो आपने उसकी वापसी करनी है. ठीक है, ग्रे लाइंस हो, ग्रे सर्कल्स हो, तो क्लू है हमारे लिए.
ठीक है, फर्स्ट क्लू हमारा क्या हो गया, ग्रे कलर याद कर लो, फर्स्ट क्लू ये मिल गया आपको। ठीक है, जैसे आप लोग वो ट्रेयर हंट वाली गेम खेलते हैं, या आजकल गेम शोज भी जो टीवी पे दिखा रहे होते हैं उसमें डिफरेंट क्लूज हैं जो, या छोटे होते हम डोरा या डियागो वगैरह देखते थे उसमें वो क्लूज होते थे। ठीक है, तो यही क्लू आप लोग इस सिलसिले में याद रख लो। तो पहला क्लू आपका क्या है, ग्रे कलर। ठीक है, अच्छा अब हम जो है वो बेनाइन और मैलिग्नेंट लीजन्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक्स थी जो कि आपको बेनाइन और मैलिग्नेंट लीजन को पढ़ने और उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए समझनी ज़रूरी थी। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, साथ है ना सब, सही है? किसी को नींद आ रही है तो वो थोड़ा उठ के बेशक फ्रेश हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो है अब हम इसके देखते हैं कि बेनाइन लीजन्स में हमें किस तरह की चीज़ें मिलनी है। फिर दीज फोकल पैचेज आर सेपरेटेड बाई होमोजेनस स्ट्रक्चरलेस एरियाज, लेकिन वो होमोजेनस हैं। स्ट्रक्चरलेस एरियाज हमने कहा था पेरीफ्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेलिग्नेंसी के क्लू के लिए। ठीक है, और इसीलिए हमने सबसे पहली स्लाइड ये देखी थी, नेचर लव्स सिमेट्री। ठीक है, तो मेलिग्नेंसी इज अगेंस्ट द नेचर, तो वो सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे, वो सेल्स हैपहैज़र्ड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये पेरिफेरल पैटर्न आ गया। अभी हम सारे ये रेटिकुलर के डिफरेंट वो देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, सबसे पहले हमने डिफ्यूज देख ली, फिर पैची देख ली, अब ये आपने पेरिफेरल देख लिया। ठीक है, ये जो बाद में एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक निवाय बनते हैं स्पेशली फेयर स्किन लोगों में, तो उनमें ये वाला पैटर्न नज़र आता है, पेरिफेरल रेटिकुलर। अब चौथा पैटर्न क्या है जिसमें दोनों चीज़ें आ जाएँ, पेरिफेरल रेटिकुलर विथ सेंट्रल हाइपरपिगमेंटेशन। ठीक है, तो ये भी एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक निवाय स्पेशली इन डार्क स्किन पीपल में। ठीक है, जो पेरिफेरल ये सेंट्रल वाइट वाला था वो फेयर स्किन में, और पेरिफेरल सेंटर डार्कनिंग वाला डार्क स्किन में। ठीक है, अब ये होमोजेनस मेयर पेयर एज ग्रे ब्लू एज सीन इन ब्लू निवाय एंड इन एपिडर्मेटोफिक मेटास्टैटिक मेलानोमा। तो ग्रे कलर तो हमारे लिए वैसे ही डेंजरस है। ठीक है, ग्रे कलर हमने पहला क्लू कहा है कि ग्रे कलर ही था। ठीक है, तो इसलिए ग्रे कलर जहाँ आएगा वहाँ पे हमें ज़रा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऑल्दो कि ब्लू निवस में भी ग्रे, लेकिन उसमें ब्लूइश टेंज होगी, ग्रे ब्लू कलर, ये ब्लू निवस की पिक्चर है, तो होमोजेनस होगा, और बाकी सारे उसमें सिमेट्री और ये चीज़ें फिर देखनी होंगी हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये मेलानोमा है। ये भी होमोजेनस की पिक्चर्स हैं, ये सारी होमोजेनस की क्लिनिकल एंड डर्मेटोस्कोपिक। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पैटर्न हम डिस्कस करें, पेरिफेरल ग्लोब्यूल्स विद सेंट्रल नेटवर्क और होमोजेनस एरिया। ठीक है, ये पेरिफेरी में ये ग्लोब्यूल्स पड़े हुए हैं, ये देखें इसके आप ये डर्मेटोस्कोपिक व्यू देखें तो इसमें भी बिल्कुल ये पेरिफेरी में इसी तरह के ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो एक हमारा ये पैटर्न हो जाएगा, तो पेरिफेरल ग्लोब्यूल्स को स्टारबर्स्ट भी कहते हैं, जो कि हमें स्पेस नीवस में और रीड्स नीवस में, जैसे कि स्टार एक्सप्लोड हो रहा है, ये वाली पिक्चर भी देखें तो ये आपको ऐसे लगेगा कि ये स्टार एक्सप्लोड हो रहा है। पहले हमने लाइंस में भी इसमें हमने पढ़ा था कि वो इसमें रेडियल वाला रेडिएटिंग वाला पैटर्न था, तो ये स्टार बर्स्ट अपेयरेंस इसकी याद रखें। अच्छा जी, अब हम सेवन्थ पैटर्न डिस्कस करें, पेरिफेरल रेटिकुलर विद सेंट्रल ग्लोब्यूल्स। अभी इससे पहले वाला क्या था कि ये पेरिफेरल ग्लोब्यूल्स विद सेंट्रल नेटवर्क या होमोजेनस एरिया, अब सेंटर में भी ग्लोब्यूल्स आ गए, पेरिफेरी में रेटिकुलर है, सेंटर में ग्लोब्यूल्स हैं, तो निवाय विद अ कंजेनिटल पैटर्न, जो कंजेनिटल निवाय हैं यूजली वो उनमें ये नज़र आ सकता है। अभी ये सारे पैटर्न्स हम बेसिकली निवाय के ही पढ़ रहे हैं कि बेनाइन लीजन्स में यूजली ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, अब सिंपल सिर्फ ग्लोब्यूलर पैटर्न हो सकता है जिसमें वो रेटिकुलर नेटवर्क ख़त्म हो गया, अब इसमें सिर्फ ग्लोब्यूल्स हैं, सिमिलर शेप साइज एंड कलर, और कंपाउंड निवाय में ये ज़्यादातर नज़र आते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूल्स ये कंपाउंड निवस का डर्मेटोस्कोपिक है, ये क्लिनिकल इसकी पिक्चर है। अब ये है कि उसमें टू कंपोनेंट्स एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे वन हाफ ऑफ द लीजन मैनिफेस्टिंग वन पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है, रेटिकुलर डिफ्यूज। ठीक है, और जो सेकेंड हाफ है उसमें दूसरा पैटर्न, जैसे हमने कहा था ना कि एक लीजन में मोर देन वन पैटर्न हो सकते हैं, एंड वॉट इज़ अ पैटर्न, एक चीज़ जो 20% ऑफ द लीजन को एटलीस्ट कवर करेगी उसको हम पैटर्न का स्टेटस देंगे। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टू कॉम्पोनेंट पैटर्न इज रेटिकुलर एंड ग्लोबुलर, जो कि ये दिखाया हुआ, और मल्टी कॉम्पोनेंट भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री और मोर पैटर्न्स। ठीक है, तो ये टू कॉम्पोनेंट एंड मल्टी कॉम्पोनेंट, लेकिन ये होगा क्या कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल ही होगी। ठीक है, मल्टी पैटर्न ज़रूर है बट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो बेनाइन ही लीजन है। ठीक है,
तो ये हमने 10 पैटर्न्स देख लिए बेनाइन लीजन्स के, ठीक है। ये एक डर्मल लीवस है, ये इसका डर्मोस्कोपिक व्यू हो गया, ठीक है। अब हम बेनाइन का पार्ट ख़त्म, अब हम जाने लगे हैं मेलानोमा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। ये सारे जो 10 पैटर्न्स आपने देखे, रेटिकुलर, रेटिकुलर डिफ्यूज, रेटिकुलर विद लोब्यूल्स, टू पैटर्न, मल्टी पैटर्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हमने जो डिस्कस की हैं वो लीवस की थी, यानी बेनाइन पिगमेंटेड लीजन्स की थी, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो मेलानोमा के पैटर्न्स हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? तो अब हम मेलानोमा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेलानोमा में भी ये ऑलमोस्ट 10 डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है? एटिपिकल पिगमेंट नेटवर्क। तो एटिपिकल पिगमेंट नेटवर्क, जो रेटिकुलर पैटर्न था डिफ्यूज, वो भी उसमें भी ऐसी रेटिकुलर पैटर्न ही बन रहा था, लेकिन इसमें एटिपिकलिटी आ रही है। किस तरह? इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द विड्थ ऑफ द नेटवर्क लाइंस, देयर कलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म या उस तरह से सिमेट्रिकल नहीं है कि इनकी जो नेटवर्क बन रहा है उसका मैं देखें किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का छोटा है, फिर उनकी नेटवर्क की शेप्स भी डिफरेंट हैं। इतना अच्छा रेटिकुलेट प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा, देखिए किसी में ये पूरी लंबी लाइन बन गई है, किसी में छोटा सर्कल बन रहा है, किसी में कोई शेप बन रही है, किसी में कोई शेप बन रही है। तो देयर इज वेरिएबिलिटी, ठीक है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द विड्थ ऑफ द नेटवर्क लाइंस, देयर कलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होल साइज ऑल्सो हैव इंक्रीज वेरिएबिलिटी। फिर एटिपिकल लेंटिजनस और नेस्टेड मेलानोसाइट प्रोलिफरेशन अलोंग द डर्म एपिडर्मल जंक्शन, उसमें ये वाला पैटर्न आपको नजर आएगा। ये इसकी डर्मोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि साइज होल्स का डिफरेंट है, फिर उनकी शेप्स डिफरेंट है, कहीं पे बड़ा है, कहीं पे छोटा है, कहीं पे टेढ़ा है, कहीं पे गोल है, कहीं पे पॉलीगोनल है, तो डिफरेंट वो सारी बन रही है। तो वेरिएबिलिटी, एटिपिकल पिगमेंट नेटवर्क, और इसका मतलब क्या है कि वेरिएबिलिटी है उसके अंदर। फिर नेगेटिव पिगमेंट नेटवर्क, सरपिजनस इंटरकनेक्टेड हाइपोपिगमेंटेड लाइंस विच सराउंड इरेगुलरली शेप्ड पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सरपिजनस इंटरकनेक्टेड हाइपोपिगमेंटेड लाइंस, ये सारी ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं, तो ये हाइपोपिगमेंटेड लाइंस हैं और सीन डिफ्यूजली थ्रू आउट द लीजन और फोकली एंड एसिमेट्रिकली लोकेटेड विद इन द लीजन, ठीक है। तो ये नेगेटिव पिगमेंट, क्योंकि वो हाइपोपिगमेंटेड लाइंस नज़र आ रही हैं। जैसे सर ने जो अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसमें नेगेटिव पिगमेंट नेटवर्क की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, तो डर्मोस्कोप में वो किस तरह नजर आएगा? इस तरह हाइपोपिगमेंटेड सरपिजनस लाइंस की तरह नजर आएगा। तो ये हमारा मेलिग्नेंसी का सेकंड पैटर्न हो गया। फर्स्ट हो गया एटिपिकल पिगमेंट नेटवर्क, सेकंड हो गया नेगेटिव पिगमेंट नेटवर्क, ठीक है। एटिपिकल पिगमेंट नेटवर्क में वेरिएबिलिटी थी, नेगेटिव पिगमेंट नेटवर्क में हाइपोपिगमेंटेड हो गई हैं लाइंस, ठीक है। अब थर्ड पैटर्न हमारा स्ट्रीक्स आ गया। स्ट्रीक्स, स्ट्रीक्स कैसे बनेगी? सूडोपोड्स एंड रेडियल स्ट्रीमिंग से मिलके। तो इरेगुलर, एसिमेट्रिकल एंड फोकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीक्स हाईली सजेस्टिव ऑफ मेलानोमा। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। आगे हम इसकी मेलानोमा की पिक्चर देख लेंगे। अब सूडोपोड्स क्या थे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विद स्मॉल नॉब्स एट देयर टिप्स, वो वाले जो हमने लाइंस के पैटर्न में पढ़े थे कि लाइंस विद नॉब्स एट देयर एंड्स। बोथ रिप्रेजेंट कन्फ्लुएंट जंक्शनल नेस्ट ऑफ मेलानोसाइट्स। जब वो कन्फ्लुएंट हो रहे हैं नेस्ट आपस में, तो फिर ये पैटर्न इसका बनेगा, स्ट्रीक्स बन जाएंगी, सूडोपोड्स विद रेडियल स्ट्रीमिंग। ये इसकी डर्मेटोस्कोपिक पिक्चर है, ठीक है। ये सूडोपोड्स और ये रेडियल स्ट्रीमिंग इसमें फील हो रही है, ये मेलानोमा का फीचर होंगे, सूडोपोड्स विद रेडियल स्ट्रीमिंग। अभी ये सब फीचर्स जो हम पढ़ें ये मेलानोमा के हैं, ठीक है। बेनाइन वाला पार्ट हमने ख़त्म कर दिया, जो 10 पैटर्न हमने उसके पढ़ लिए सारे। अब ये सारे पैटर्न हम मेलानोमा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ लिया? एटिपिकल पिगमेंट नेटवर्क। एटिपिकल पिगमेंट नेटवर्क क्या था? वेरिएबिलिटी। फिर हमने देख लिया नेगेटिव पिगमेंट है, हाइपोपिगमेंट लाइंस। फिर अब स्ट्रीक्स, स्ट्रीक्स क्या है? सूडोपोड्स विद रेडियल स्ट्रीमिंग। अब हम क्या देखेंगे? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फोर्थ चीज़ आ गई हमारे पास, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये सारे जिसमें नजर आए, शाइनी वाइट लीनियर स्ट्रीक्स ऑफन ओरिएंटेड पैरेलल और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर्स व्यू विद पोलराइज्ड डर्मोस्कोपी, रीमॉडल्ड और न्यू डर्मोकोलाजिन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पैटर्न, एटिपिकल डॉट्स और ग्लोब्यूल्स, एसिमेट्रिकली और फोकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द लीजन। ये देखें डॉट्स, हम जो पहले लीजन्स देख रहे थे
तो वो ग्लोब्यूल्स हैं या डॉट्स हैं थ्रू आउट द लीजन. पेरीफ्री में है तो ऑल अलॉन्ग द पेरीफ्री है, ठीक है. सेंटर में है या डिफ्यूज है, वो सारे उसमें. अब ये फोकली हैं या एसिमेट्रिकली हैं, तो ये भी मेलिग्नेंसी का पैटर्न है, ठीक है. और नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या है, ब्लॉचेस. ब्लॉच क्या होगा, एक ब्लैक लेमेला, होमोजेनस एरिया डैट ऑब्सक्योर विजुलाइजेशन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स. ब्लॉच हो गया ये तो, बस अब इससे आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है. तो होमोजेनस एरिया डैट ऑब्सक्योर विजुलाइजेशन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर. ब्लॉचेज आर एसिमेट्रिकली और फोकली लोकेटेड यूजली टूवर्ड्स द पेरिफ्री, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं. मेलानिन पिगमेंटेशन थ्रू आउट द एपिडर्मस और डर्मस और बोथ. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेलानिन पिगमेंटेशन को ही शो कर रहा है. ब्लैक हमने कहा था ना, मेलानिन जो एपिडर्मस में होगी वो ब्लैक कलर नज़र आएगा. तो ये मेलानिन पिगमेंटेशन है. ब्लॉच, होमोजेनस एरिया दैट ऑब्सक्योर विजुलाइजेशन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स. फिर रिग्रेशन स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ वाइट स्कार लाइक पिगमेंटेशन, जैसे ये इसमें नज़र आ रही है. तो अगर रिग्रेशन स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी मेलानोमा का फीचर होगा, ठीक है. तो पेपरिंग स्पेकल्ड मल्टीपल ब्लू ग्रे ग्रैन्यूल्स विद इन अ हाइपोपिगमेंटेड एरिया, ये पेपरिंग भी नज़र आ रही सकती है इसमें, ठीक है. फाइब्रोसिस, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, एपिडर्मल थिनिंग, इफेसमेंट ऑफ रेटिना, इन सब चीज़ों को ये इस तरह रिप्रेजेंट होगा डर्मोस्कोप के ऊपर. रिग्रेशन स्ट्रक्चर, रिग्रेशन स्ट्रक्चर, रिग्रेशन के नाम से ही आप लोग याद रख लें कि रिग्रेस होगी कोई चीज़, ठीक है. तो कंसिस्ट ऑफ वाइट स्कार लाइक पिगमेंटेशन, रिग्रेशन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पैटर्न इज ब्लू वाइट वेल. तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई ऐसे कर्टन आ गया जिसने पीछे वाली चीज़ को छुपा लिया. ब्लू वाइट वेल, ठीक है. तो कन्फ्लुएंट ब्लू पिगमेंटेशन ऑफ वेरिंग ह्यूज विद एन ओवरलाइंग वाइट ग्राउंड ग्लास हेज विच टेंड टू बी एसिमेट्रिकली लोकेटेड. एग्रीगेशन ऑफ हैवीली पिगमेंटेड सेल्स और मेलानिन इन द डर्मस. ब्लू कलर वाली मेलानिन हमने कहा था ना, डर्मस वाली होगी तो वो ब्लू नज़र आएगी, ठीक है. तो ये ब्लू वाइट वेल, अगेन अ फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी, ब्लू वाइट वेल. और फिर जी एटिपिकल वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स, डॉटेड वेसल्स ओवर मिल्की रेड ब्लैक ग्राउंड. पीछे ये सारा एक मिल्की सा बैकग्राउंड फील हो रहा है और उसके ऊपर डॉटेड वेसल्स नज़र आ रहे हैं. सर्पेंटाइन वेसल्स क्या होंगे, लीनियर एंड इरेगुलर वेसल्स. फिर पॉलीमॉर्फस वेसल्स हो सकते हैं, टू और मोर वेसल मॉर्फोलॉजीज विद इन द सेम लीजन. यानी ये डॉटेड भी हो सकते हैं, सर्पेजनस भी हो सकते हैं. फिर कॉर्कस्क्रू वेसल, कॉर्कस्क्रू वेसल्स यूजली सीन इन नोड्यूलर मेलानोमा, डेस्मोप्लास्टिक मेलानोमा और मेलानोमा मेट्स. कॉर्कस्क्रू वेसल्स जो ऐसे कर्ल्ड हुए हुए फील होंगे, ठीक है. तो इसमें जो है ये आप बैकग्राउंड में एक मिल्की हेज फील कर सकते हैं. ये डॉटेड वेसल्स इसमें नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं. फिर ये बीच में कुछ सर्पेंटाइन वेसल्स नज़र आ रहे हैं. और इसमें जो है वो कॉर्कस्क्रू आप बहुत अच्छा अप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतनी उसकी रेजोल्यूशन में वो पता नहीं चल रहा. फिर जी हमारे पास जो पैटर्न है वो पेरिफेरल टैन स्ट्रक्चरलेस एरियाज, स्ट्रक्चरलेस लाइट ब्राउन एरियाज लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द लीजन. स्ट्रक्चरलेस लाइट ब्राउन एरियाज लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द लीजन्स. फ्लैटनिंग ऑफ द रेटिनिजेस विद पेजिटॉइड स्प्रेड ऑफ एटिपिकल. तो ये सारी हमने जो है यानी इसकी ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन और नीचे वो किस चीज़ को कॉरिस्पॉन्ड करेगा ये आपको बताया, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चरलेस एरियाज, पेरिफेरल टैन स्ट्रक्चरलेस एरियाज आर लाइट ब्राउन एरियाज लोकेटेड एट द पेरिफेरी ऑफ द लीजन्स एंड दे रिप्रेजेंट फ्लैटनिंग ऑफ द रेटिनिजेस विद पेजिटॉइड स्प्रेड ऑफ एटिपिकल मेलानोसाइट्स. बस अब हमारी थोड़ी सी ये डर्मोस्कोपिक पिक्चर्स हैं मेलानोमा की, डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है. तो मेन पार्ट जो है वो आपका कवर हो चुका है. आपने सबसे पहले बेसिक टर्म्स देखनी, पैटर्न क्या होगा, कलर्स, एसिमेट्री, ये सारी चीज़ें कैसे आपने इंटरप्रेट करनी है. फिर आपने बिनाइन लीजन्स के 10 पैटर्न्स पढ़ लिए. फिर आपने मेलानोमा के 10 पैटर्न्स पढ़ लिए, ठीक है. अब आप जो है वो कुछ पिक्चर्स देखोगे. फिर रिग्रेशन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. रिग्रेशन स्ट्रक्चर में हमने कहा था ना व्हाइटिश स्टार लाइक अपेरेंस नज़र आएगी, तो ये इसमें ये नज़र आ रही है, ठीक है. और फिर पेरिफेरल टैन स्ट्रक्चरलेस एरियाज नज़र आ रहे हैं ये. और फिर जी एटिपिकल ब्लॉच. तो ये सारे फीचर्स आपने मेलानोमा के पढ़े हैं. ये डर्मोस्कोपिक व्यू है मेलानोमा का जिसमें आपको ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं. फिर ये मेलानोमा ऑन लेग की एक पिक्चर है. इसी तरह उसमें भी यही सारे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने मेलानोमा की है, इसमें एटिपिकल पेरिफेरल स्ट्रीक्स रेडिएटिंग वाला पैटर्न नज़र आ रहा है. ये सूडो नेटवर्क ऑन द फेस,
फेस वाले मेलानोमा का हमने कहा था ना कि थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है उससे बाकी मेलानोमास में. तो सूडो नेटवर्क है इसमें प्रेजेंट थ्रू आउट, और लाइट होल्स हैं, और बिटवीन द होल्स द पिगमेंट फॉर्मेशन रिजल्ट इन अ सूडो नेटवर्क अपेयरेंस. ये होल्स नज़र आ रहे हैं इसमें, और ये है सूडो नेटवर्क ऑन द फेस. तो ये फेशियल स्किन पे मेलानोमा के डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं, जो कि इसमें ये एक टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो ये जब आप लोग देखना चाहो या पढ़ना चाहो तो इस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हो. ठीक है, ये भी सारे इसी के डिफरेंट पैटर्न्स हैं. अब ये लेंटिगो मेलिग्ना ऑन द नोज़ है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है? पेरी फॉलिकुलर ग्रैन्युलैरिटी एंड एसिमेट्रिकल ग्रे पेरी फॉलिकुलर ओपनिंग्स. ग्रे सर्कल्स हमने कहा था कि वो ख़तरनाक है, ग्रे कलर ही ख़तरनाक है. ठीक है, तो ये इसमें हमें ग्रे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं. फिर पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, फिर रोम्बोइडल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, फिर इसमें जो है वो सर्कल विद अ विद इन अ सर्कल, एक आउटर सर्कल है उसके अंदर इनर सर्कल भी बना हुआ है. तो ये भी मेलानोमा है. ठीक है, फिर ये एक्रल मेलानोमा के कुछ और अपने पैटर्न्स हैं. ठीक है, जो कि ज़रा टू मच हो जाएगा, बट ये है कि एक्रल बेनाइन पैटर्न्स इस तरह के हो सकते हैं. ये बेनाइन वाले पैटर्न्स हैं एक्रल लीजन्स के, और अगली नेक्स्ट आपको हम दिखाते हैं ये मेलानोमा के किस तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये बेनाइन में हमने कहा था ना पैरेलल लाइंस बड़ी अच्छी हमें उसमें पैरेलल सही नज़र आएंगी, और जो मेलानोमा वाले होंगे उसमें उनमें इंटरप्शन आना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है फरो इंक टेस्ट. ठीक है, ये फरो इंक टेस्ट में क्या करते हैं, मेलानिन पिगमेंटेशन फॉलोज एग्जैक्टली द लाइंस क्रिएटेड बाय द इंक स्टेन. तो ये अगर वो बिल्कुल सही पैरेलल लाइंस फॉलो करेगी तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो बेनाइन लीजन है. ठीक है, लेकिन अगर वो इंटरप्टेड इस तरह के बीच में हैपहैज़र्ड पैटर्न देगी और अलोंग द लाइंस इतना अच्छा उसका स्प्रेड नहीं होगा तो ये चांस है कि मेलानोमा. फिर से वही सारी एसिमेट्री वाली और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, और लास्ट में क्या है, ए मेलानोटिक मेलानोमा, पिगमेंट ही नहीं है उसमें. ठीक है, तो इसमें हम फिर ये सारा क्या करेंगे. ए मेलानोटिक मेलानोमास आर डिफाइंड एज मेलानोमास डैट लैक क्लिनिकली अपेरेंट पिगमेंटेशन. अब ये सारी जो बातें हमने की, डिफरेंट कलर्स डिस्कस की, ये तो सारे पिगमेंट के लिहाज से थे. ए मेलानोटिक में क्या करना है, इट इज़ फर्दर डर्मोस्कोपिकली कैटेगराइज इनटू प्योर ए मेलानोटिक दिन में मेलानोमास डैट डू नॉट डिस्प्ले एनी डिसर्नेबल पिगमेंट, फिर हाइपोमेलानोटिक. तो ये इसके डर्मोस्कोपिक पैटर्न्स है प्योर और हाइपोमेलानोटिक दैट डिस्प्ले लो लेवल्स ऑफ यू मेलानिन. तो वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स आर द मेन एंड मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व फीचर्स. अब इसमें आपने जो हमने वैस्कुलर वाले फीचर्स पढ़े थे ना कि मेलानोमा में वैस्कुलर के क्या फीचर्स होंगे, सर्पेंटाइन वेसल्स हो सकते हैं, इरेगुलर लाइंस हो सकती हैं, डॉटेड वेसल्स हो सकते हैं और मिल्की रेड एरियाज, उससे हम इसको फिर पहचानेंगे, क्योंकि पिगमेंट वाली तो सारी कहानी इसमें ख़त्म होगी, पिगमेंट ही नहीं है. तो इसमें हम इसके वैस्कुलर पैटर्न से पहचानेंगे. ठीक है, जैसे कि ये वाली है जो हमने सारे पहले डिस्कस किए थे कि हाइपोमेलानोटिक मेलानोमा विद लीनियर इरेगुलर एंड हेयर पिन वेसल्स और अ मिल्की बैकग्राउंड. तो ये ए मेलानोटिक मेलानोमा अगर आपका सस्पिशन होगा तो आपको वैस्कुलर पैटर्न पे ज़्यादा रिलाई करना होगा. ये भी अगेन ए मेलानोटिक मेलानोमा की पिक्चर है, और दैट्स इट द एंड. आई थिंक आई एम ऑडिबल एट द बैक. थैंक यू नाजिया इरफान बारी फॉर सच अ nice introduction to the this new lot. You know what, there is no age limit to learning, and when I come to such sessions na mera dil hi nahi karta uthne ka. You know, ek addiction hota hai, and I'm always a wiser person. I know I might carry these information to the grave maybe, lekin acha laga, bahut acha laga, dil ko itni khushi hui. You know, when I entered Shifa, maine apne driver ko kaha ले जो गाड़ी आखिर में कोने पे राइट पे. उसने कहा कि नहीं नहीं आपको वहाँ नहीं जाना, देर इज़ अ बिग ह्यूज बिल्डिंग. मैंने एंटर किया, मुझे तो लगा कि फैंटेसी लैंड. लेकिन रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस एंड द हार्ड वर्क दोज पीपल हैव पुट इन, दे हैव गॉट ए रेपिटेशन. क्योंकि मैं आज आ गई, मैंने देख लिया ये चेंज, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ. लेकिन बिलीव यू मी, दे हैड क्रिएटेड द रेपुटेशन कि कल एक केस था या परसों,
I was with Dr. Seema and we both saw and I wrote the prescription and then I said ki agar ek hafte mein kuch aaram nahi aata and it is the same then go to Shifa because mujhe ye pata tha ki we used to send a postgraduate training for FCPS ke yahan ki histopathology yahan ki biopsy pe kam se kam ek mujhe 100% sure tha ki a dermatohistopathologist will see it you know kahin aur refer karo तो वो बस कह देते नो मेलिग्नेंसी सीन अब दैट इज़ नॉट वी डू गिव द क्लूज के ये पॉसिबिलिटी होती है लेकिन बेसिकली ज़्यादातर लोग रिपोर्ट कर देते नो मेलिग्नेंसी सीन एंड आज डर्मेटोस्कोपी का जो लेवल मैंने देखा है क्योंकि जो हमारा ज़माना था वो यही बताता था लकली अनफॉर्चुनेटली नहीं कहना चाहिए लकली वी आर इन अ एरिया where the chances of malignancy or melanoma are like a rarity. But in the Western world, Europe where mein jo fair-skinned log hain, unki major concern yahi hai. And hamare northern areas mein bhi hai, BCC bahut hota hai, wo clinically bhi nazar aata hai, but the way things have evolved and the indication and vascular keratinization and other pigmentary disorder and the way ek jo thought aayi na ki before and after you can convince the patient to jo indications hain jo inhone cheezein batayi hain the best way to engrave it in your system is to go and read about it and try to do hands on यू नो सबके पास तो नहीं होगा जहाँ पे भी अवेलेबल हो हमारे ज़माने में ऑयल डाल के करते थे बड़ा मैसी था एंड सिर्फ ये बताते थे हम लोग कि देखो एसिमेट्री है और कलर चेंज है इतना डिटेल नहीं पता था हमें बस यही होता था तो फिर हमारे लिए इट बिकेम अ यूजलेस टूल बिकॉज वी डिड नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन नाउ टुडे इट वॉज सो लाइटनिंग आई एम सो वाइज कि मुझे यूँ होता है कि काश मैं रखती और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए यूज़ करती सो इट इज़ सो ओवरवेलमिंग एन एक्सपीरियंस आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम टू सी द शिफा का लेवल यू हैव गॉन अप एंड यू हैव गॉन अप इन द राइट वे एंड यू हैव गॉट अ गुड रेपुटेशन एंड अ गुड नेम एंड दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर सिटिंग हियर is telling me that you are now you have excelled to a level that you are far above and you have maintained a decorum where aankh band karke pg niklega to acha niklega hum logon ko bahut mehnat karni padti thi kyunki civil hospital ka jo na har chaos inhone bataya na we are sitting in a chaos ab usme se na normal cheez nikalna bahut mushkil hota hai Here everything is so organized that aankh band karke bachcha aa gaya yahan se acha ban ke niklega theek hai but two three things you should remember ek to jitna gur daloge utna meetha hoga theek hai so mehnat and the way they have the command is not one day they have gone through studies they have gone through this and that is why they could communicate to us in such a manner pehle aapko cheez samajhni hoti hai usko istemal karna hota hai uska proper use karna hota hai usse convince hona hota hai something you just don't read from the book and just vomit it out it will never penetrate so what you learn today is that you have to be focused steadfast and then only you can excel ye nahi hai And then those who want to do something cosmetology or aesthetic dermatology or whatever the other fields are, they are very good, very very lucrative and very very demanding. But mind you, they need a lot of skill. They need a lot of training. ये नहीं है कि आप transplant करने बैठ गए hair का और एक दिन में आप सही हो गए. These things they can bring you bad names. ठीक है? So those are all options available, but then be expertise before you go into the public. Because public mein jaane se pehle aap ye yaad rakhein, patient is a paying patient. They don't want to be used as guinea pigs. Hota kya hai ki aap log ek workshop attend karte hain, ek certificate le lete hain, and then aake karna shuru kar dete hain wo cheez. Wo nahi work karte.
you need a lot of practice, a lot of experience to be recognized in that field. And ab itni variation hai, pediatric dermatology alag hai, photodermatology alag hai, oncology puri dermatology ki alag hai, and mycology bilkul alag field hai. So it's high time that now general dermatology se hat ke we should go for specialized dermatology. It's high time because you all are the future of Pakistan and the world has progressed. So you should go into subspecialization of dermatology. With that, I would end and compliment the organizers of today's program. And I've all my prayers and wishes that you all do well in life. Thank you. Actually, ma'am is a part of legacy of Shifa. Ma'am, hamara part rahi hai jo hamare bade the, Dr. Dilawar, Dr. Rehan, Dr. Nasser. तो उनके साथ मिलके ये शिफा को यहाँ तक लाने में इनका भी रोल है. तो ये दीज आर द टॉर्च बेरर फॉर अस. तो और दूसरा मैम ने जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वी आल्सो हैव मैम सीमा ज़िया विद अस आल्सो. जिस तरह बताया कि मैम जरनाज ने अपनी डिस्पाइट ऑल देयर कमिटमेंट्स, जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट्स के बावजूद भी इन्होंने डर्माटोलॉजी से अपना ताल्लुक बड़ा गहरा रखा है, उसमें कमी नहीं आने दी. वो बेहतर स्टिल यू कैन सी शी वॉज स्पीकिंग अबाउट डर्माटोलॉजी. तो अभी इसी तरह जो मैम सीमा ज़िया जो हैं, ये हमारे एक बड़ा एक लाउड वॉइस है हमारी सोशल पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, एक डर्माटोलॉजी फैमिली की, फैटर्निटी की. तो ये भी हमारे पास हैं, वी वेलकम हर. इसमें ये मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग शी इज़ पार्ट ऑफ सिंध प्रोविंशियल असेंबली. तो जो पार्लियामेंट में जो आवाज़ कभी डर्माटोलॉजिस्ट की है तो वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं. अप टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, ये सिर्फ वो थी जो क्लासिकल डर्मोस्कोपी, ये जिसके ऊपर डर्मोस्कोपी बेस्ड थी और पिगमेंटेड लीजन के ऊपर. तो असल कहानी तो अब इसके बाद है. वो जितने जो हम वी एनकाउंटर सो मैनी अदर थिंग, जो जितनी इन्फ्लेमेशन है, जितने कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर इन्फ्लेमोस्कोपी, नॉन पिगमेंटेड डिसऑर्डर, फिर नेल डिसऑर्डर, हेयर डिसऑर्डर और बाकी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, उनके ऊपर क्या है डर्मोस्कोपी का रोल है, तो वो दैट वी विल टच द सेकेंड पार्ट ऑफ. थैंक यू. यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगा, जब पहली दफ़ा मैं यहाँ शिफा पे आया था तो एक पुराना एक ब्लॉक था जहाँ पे वार्ड था, अभी तो वार्ड अपग्रेड कर दिया गया है और छोटी सी ओपीडी होती थी. माशाल्लाह अब तो देख रहा हूँ तो बड़ा हैरान भी हो रहा हूँ. सेकंड टाइम में आया हूँ, पहले आ चुका हूँ कुछ दिन पहले. मैं सिर्फ ये कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने MBBS का इम्तिहान फोर्थ ईयर में जब आया था 1980 में, तो उस ज़माने में नया नया अल्ट्रासाउंड आया था. अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पे आई थी, डॉक्टर शायदा थी पहली कराची की. और उसके बाद जो है उसने एक रास्ता खोल लिया अल्ट्रा जो है साउंड ने, कि पेट के अंदर बच्चा है और ये कुछ और चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी. मेरे ख्याल डर्मो उसको भी जो है जदीद दौर का अल्ट्रासाउंड है, इसने जो है इतने रास्ते खोल दिए कि मैं खुद हैरान हूँ. और मेरे ख्याल एक बिगेस्ट टूल नाउडेज जो हमें मिला है, बस यही मुझे कहना था. Thank you. Look beyond what you see, and that's what the use of the dermatoscope. The things which can't be visualized by the naked eye can be seen with the help of a dermatoscope. Today my topic is non-pigmented lesions, malignant and pre-malignant, which includes basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and actinic keratosis. Now, non-melanoma skin cancer. Actinic keratosis, basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma, they commonly lack pigmentation, should be removed at the earliest possible stage. Clinical features usually invisible to the naked eye and can be visualized by the dermatoscope. Now what is our goal here? If we add the dermatoscopic images to our clinical images, the diagnostic accuracy is increases. So whenever we are confused in our diagnosis, we can use dermatoscope to enhance our diagnosis. नाउ स्टेप वाइज एल्गोरिदम. अच्छा, डर्मोस्कोपी में ये नहीं है कि आपने कोई भी लेजन देखा तो आप स्टक करके जो है डायग्नोसिस नहीं बता सकते. इसमें आपको स्टेप वाइज अप्रोच लेनी है. जैसे डॉक्टर नाजिर ने भी बताया कि एल्गोरिदम होते हैं, ABCD मेथड होता है, मैनकीज मेथड होता है. तो चाहे वो पिगमेंटेड लीजन हो, चाहे वो नॉन पिगमेंटेड लीजन हो, ऑलवेज गो इन अ सिस्टमिक वे. तो हेयर वी आर गोइंग सिस्टमिक वाइज. लाइक वेन अ नॉन पिगमेंटेड स्किन लीजन इज क्लिनिकली क्लासिफाइड एज अ ट्यूमर, the dermoscopic examination should follow a stepwise algorithm assessing first morphology of the vascular pattern, then architectural arrangement of the vessels in the tumors,
and third, presence of additional dermoscopic features which provide more clues. अच्छा जो लास्ट हमने प्रेजेंटेशन डॉक्टर नाजी की अटेंड की है उसमें क्या था, मेलानोसाइटिक के लीजेंस थे, मेलानोमा भी था और बिनाइन नेवस भी थे। तो उसमें हमारा टारगेट क्या था कि जब भी हम कोई लीजन देखेंगे तो हमें सबसे पहले, प्लीज़ बातें ना करें, सबसे पहले हमें उसमें पिगमेंट देखना था, ठीक है। अब यहाँ तो पिगमेंट है ही नहीं, तो हमारा कंसाइज किस पर होगा, हमारा कंसाइज होगा कि हम पहले वैस्कुलर पैटर्न को असिस करें, उसका आर्किटाइजल अरेंजमेंट देखें और उसके बाद क्ल्यूज़, और हर कैंसर के अलग अलग क्ल्यूज़ होते हैं। इन दोनों फीचर्स के साथ अगर आपने उस मेलानोमा के या उस कैंसर के स्पेसिफिक क्ल्यूज़ पकड़ लिए तो फिर आपको डर्मोस्कोपी के डायग्नोसिस में आसानी हो जाएगी। नाउ बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर एंड एपिथेलियल ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। इट प्रेजेंट्स विद वैरायटी ऑफ द मॉर्फोलॉजीज लाइक नोडुलर बीसीसी, सुपरफिशियल बीसीसी, मॉर्फीफॉर्म बीसीसी। Dermoscopy has improved the diagnostic accuracy to distinguish pigmented BCC from other pigmented lesions. This method has a sensitivity 93% and a specificity of 89%. Yani BCC ki jo sensitivity specificity aap dekhen dermoscopy pe kitni zyada high hai. Now the dermoscopic features of pigmented BCC are absence of the pigmented network, arborizing telangiectasias, structureless or leaf-like areas on the periphery of the lesions, large blue-gray or white nest or blot, multiple blue-gray globules and dots, spoke peel areas and focal ulceration. I will discuss each and everything in my further slides. अच्छा यहाँ पे आप there is a question, यह concept है कि मैं बात कर रही हूँ non-pigmented lesions की, लेकिन यहाँ पर आ गया pigmented BCC. तो जो मेलानोमा की डीडी की एक अच्छी डीडी है पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब अगर आपके पास एक पेशेंट आया है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा है या फिर मेलानोमा है, तो आप डर्मोस्कोपी से सिर्फ फ़ौरन ही आपको रूल आउट हो जाएगा कि केराटिनोसाइट से ड्राइव हो रहा है या फिर मेलानोसाइट से ड्राइव हो रहा है। वो कैसे, आपने लीजन के ऊपर डर्मोस्कोप पुट किया, जब आपने देखा तो डॉक्टर नाजिया वाली प्रेजेंटेशन में आपने क्या देखना था, पिगमेंटेड नेटवर्क, ठीक है। सिर्फ डर्मोस्कोप रख के अगर आपको पिगमेंटेड नेटवर्क नज़र आ जाता है या जो सारे ऑप्शंस बिनाइन या सिमिट्री नज़र आ जाती है तो आप कह देंगे कि मेलानोसाइट्स का मेलानोसाइटिक लीजन है, ठीक है। अब उसके बाद वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट, वो सारे 10 रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आपको पिगमेंट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, और इनमें से कोई भी फीचर्स नज़र आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये केराटिनोसाइट का ट्यूमर है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली बेसल सेल कार्सिनोमा। तो एब्सेंस ऑफ द पिगमेंटेड नेटवर्क, डर्मोस्कोपी में आपने देखा पिगमेंटेड नेटवर्क नहीं है, ठीक है, एक रूल आउट हो गई चीज़। और दूसरी चीज़ क्या थी, इनमें से कोई भी फीचर का प्रेजेंट होना तो ये फेवर करेगा बेसल सेल कार्सिनोमा को। दिस इज द स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डर्मोस्कोपिक फीचर ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। दीज आर नॉट द रियल, दीज आर द इमेजिनरी पिक्चर्स ना। नॉट टू डायग्नोज बेसल सेल कार्सिनोमा द नेगेटिव फीचर्स ऑफ पिगमेंटेड नेटवर्क मस्ट बी एब्सेंट एंड वन और मोर ऑफ द पॉजिटिव फीचर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ये सब बात सबको समझ में आ गई ना कि पिगमेंटेड नेटवर्क का एब्सेंट होना, इन सब का एक प्रेजेंट, इनमें से कोई भी फीचर हो तो बी सी सी की तरफ हम जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि पिगमेंट कहाँ से आया, इसमें पिगमेंट कहाँ से आया, पिगमेंट ऐसा नहीं है कि अगर हम बेसल सेल कार्सिनोमा को हम नॉन पिगमेंटेड कह रहे हैं तो उसमें पिगमेंट होगा ही नहीं। बेसल सेल कार्सिनोमा ड्राइव हो रहा है बेसल वाइट सेल से, जो कि ड्राइव हो रहा है हमारे बेसल लेयर से, तो मेलानोसाइट से ट्रांसफर हो सकता है। अब जो हमारे बेसल सेल है उसमें मेलानिन भी होता है, मेलानोसोम्स भी हो सकते हैं, मेलानोफेजेस भी हो सकते हैं, और यही मेलानिन जब हमें डर्मोस्कोपी पर रिफ्लेक्शन आता है तो वो एज अ पिगमेंट आता है, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है कि मेलानिन उसमें कितना डिपॉजिट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, फिर वो हमारे वही कलर्स, ग्रे कलर्स या ब्राउन कलर्स, वो सारे हम उसको रूल आउट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द पिगमेंटेड पीसीसी, देयर इज़ अ पिगमेंट, यू कैन सी इन द पेरीफेरी देर आर द पिगमेंट्स, बट दिट इज़ नॉट अ प्योर नेटवर्क, ठीक है, एंड अदर फीचर्स आर ब्लू ग्रे ग्लोब्यूल्स। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द नॉन पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा, दिस इज ऑफ पिंक कलर एंड नो एनी पिगमेंट हेयर, एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट नेटवर्क एंड आर्बोराइजिंग वेसल्स। इन द प्रीवियस फीचर देर इज अ पिगमेंट बट देर इज नो एनी पिगमेंटेड नेटवर्क, ओके, एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर दिस इज़ नॉट अ पिगमेंटेड बी सी सी, पिगमेंट इसमें नहीं है। फिर हम इसमें क्या देखेंगे, वेस्कुलरिटी देखेंगे, वेसल्स देखेंगे, तो पिंक कलर होगा एब्सेंस ऑफ पिगमेंटेड नेटवर्क एंड आर्बोराइजिंग वेसल्स। नाउ व्हाट आर आर्बोराइजिंग वेसल्स, कंसिस्ट ऑफ
multiple branching blood vessels in a tree-like pattern. The base of the vessel is larger and the branch becomes smaller in diameter. The vessels tend to be bright red and sharply in focus, surround the dermal basal cell carcinoma islands, associated with nodular BCC mostly, not found in melanocytic lesions. ठीक है, आपको melanocytic lesion में arborizing vessels नहीं मिलेंगे. अब these are the arborizing vessels. अच्छा, try to find out the thick caliber. Vessels आपको और भी cancers में नज़र आएंगी, लेकिन इसमें देखें ये जो picture है, thick center से ही thick caliber है, और जैसे जैसे periphery में जाते जाएंगे इनकी caliber कम होता जाएगा. जैसे tree के एक stem होती है उसमें से roots निकल रही होती हैं. ठीक है, this is also a clinical picture of the basal cell carcinoma. Blue arrow shows the arborizing vessels. जो बड़ा सा है ये सारा pigmented है, तो pigmented BCC की picture है. Now, is this arborizing telangiectasia? Yes or no? Don't go blindly. आप देखें thick हो रही ना, center में से thick है, side में branching जा रही है, तो ये arborizing telangiectasia है. ठीक है, now these are the two pictures. In the first picture you can see the arborizing vessels are prominent, while in the next picture arborizing vessels are subtle. ठीक है, अब ये difference है polarized और non polarized light का. vessels इनके deep होती हैं तो उसके लिए हम polarized technique ज़्यादा use करेंगे. तो ये differentiate है कि जो first वाली picture है वो BCC की है, arborizing vessels आपको दिख रही है, लेकिन ये polarized dermoscopy से दिख रही है. और जो next वाली picture है वो subtle है arborizing vessels, और ये हमें दिख रही है नॉन पोलराइज डर्मोस्कोपी. तो ऑलवेज गो फॉर पोलराइज डर्मोस्कोपी इफ यू वांट टू डिटेक्ट एनी ब्लड वेसल्स. इज दिस आर्बोराइजिंग टेलेंजिएक्टेसिया? ठीक है, इसमें कोई सेंटर से बड़ी थिक नहीं जा रही है और कोई ना ब्रांचिंग पैटर्न है, ये हैपहैजर्डली जा रही है. दीज आर नॉट द आर्बोराइजिंग टेलेंजिएक्टेसिया. Now, second component of the basal cell carcinoma is leaf-like areas. These are the bulbous structures seen on the edges of pigmented BCC. Some may not appear a valley like a leaf, in which they are better known as structureless areas, usually brown or grey in color. This structure is quite specific for superficial basal cell carcinoma. This concept requires imagination. Remember, this is a leaf-like, not a leaf. ठीक है, और वो भी winter leaf, green color का leaf नहीं होगा. ठीक है, अब आप और ये आप कहाँ देखेंगे? पेरिफेरी ऑफ द लीजेंस में देखेंगे. पेरिफेरी ऑफ द लीजेंस में आप देखेंगे और इमेजिनरी आप ड्रॉ करेंगे लीफ. ठीक है, अगर वो ड्रॉ हो रहा है तो ये बीसीसी का फीचर है. ठीक है, दिस इज अ मैपी लीफ. लुक एट द पेरिफेरी, लुक एट द पिगमेंटेशन एंड ड्रॉ इमेजिनरी लाइन. नाउ टेल मी, इज दिस अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर? यस, look at the periphery and draw imaginary line. This is a maple leaf like, a pigmented lesion lacking a pigmented network but possessing multiple leaf like areas. acha jo leaf like areas hai na jo aapko periphery mein dikh rahi hai, ye bhi pigmented hi hai. pigmented BCC ka picture. these are the blue white hairs, so the large one and the small one are the blue globules are dots. no pigmented network and the look at the presence of large blue clay or white nest with multiple clay globules. globules are well defined round or oval structures, larger than dots but smaller than ovoid nest, not aggregated as would be seen in melanocytic lesions, usually have a blue clay color. अच्छे जो blue की जो dots हैं, जो मैं pigmentation है, अगर ये aggregated हो, एक साथ हो, bunch like हो, grape like हो, तो melanoma का picture. ठीक है, लेकिन अगर दूर दूर हो, half hazard हो, और वेल डिफाइंड होते फीचर है पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा. सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट द फीचर्स, कि आपने ग्लोब्यूल्स पकड़ लिए हैं या वाइट मार्किंग्स पकड़ लिए हैं, फिर उसकी आप एग्रीगेशन देखें इसकी. और मेलानोमा के लिए तो फिर सारे वो भी है नेटवर्क, पिगमेंटेड नेटवर्क देख रहे हैं, सिमेट्री देख रहे हैं, और इसमें आपको वेसल्स देख रहे हैं. मल्टीपल किसी का डर्मोस्कोपी डायग्राम, मल्टीपल ब्लू ग्रीन ग्लोब्यूल्स इन द पिक्चर, यू कैन सी द एरोस. Now, four P-like structures, radial projection that surround the central darker point. The projections have a tan blue or grey color and the central point is usually dark brown or black. When radial projections are not well defined, they appear as a brownish round ill-marginated globule that has a central dark hub. This structure is called the concentric structures or concentric globules, highly specific for superficial basal cell carcinoma. अच्छा, अभी जो लास्ट वाली प्रेजेंटेशन में आपने मैडम ने भी रेडियल प्रोजेक्शन दिखाई थी रीड वाली, उससे आप कंपेयर करें
उसमें ना कोई डार्क कलर नहीं था, वो पूरा एक जैसा कलर था, साइड में वीडियो पॉट्स थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेंट्रल डार्क है और जब भी रेडिएट हो रहा है रियल लाइफ प्रोजेक्शंस में तो वो इसका कलर लाइट हो रहा है। लुक हाउ द स्टार स्मोक फील्स आर देयर, बिल्कुल अगर आप कोई मैटर लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्मोक फील जैसा आप देख सकते हैं। स्मोक फील पिगमेंटेशन, यू कैन आल्सो अप्रिशिएट द ब्लू डॉट इन द Now, focal acceleration, this is also the feature of pigmented laser cell carcinoma. Shallow erosion stent may covered by dried blood, orange view is covered by serous thrush, always rule out recent history of trauma. This is the focal acceleration. Acceleration, we are bleeding wala koi bhi lesion ho, to uske liye aap non-contact dermos ko use kar rahe, kyunki contact karne ke to wo effective ho jayegi iski surface, ya fir aap usko relax kar rahe. Now comes towards the non-pigmented laser cell carcinoma. It was impossible before the arrival of polarized thermoscopy. In addition to the organizing vessels and ulceration, other thermoscopic features of non-pigmented BCC include scattered vascular globular pattern, shiny white structureless to milky pink area, small fine telangiate area, and corpus skew vessels. This is a thermoscopy image shows large diameter organizing blood vessels and shiny white area. शाइनी वाइट एरिया तो आपको सेंटर में नजर आ रहा है, ये ब्लड ऑर्गेनिक ब्लड का है, पिगमेंट इसमें नहीं है, ना ही पिगमेंटेड रेड ब्लड ना ही पिगमेंटेड, तो ये नॉन पिगमेंटेड बीसीसी हो गया। दिस इज अनदर पिक्चर, यू कैन सी इन सेंटर वर्सेस कॉर्पस क्यूब ब्लड वेसल्स। दिस इज द वन ऑफ आवर ओपनिंग पेशेंट और हमें लग रहा था क्रस्टिंग भी है, यू कैन सी द क्रस्टिंग अल्सरेशन और इसके बाद में हिस्टोपैथोलॉजी की थी तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा निकला था और जब मैंने थर्मोस्कोपी पिक्चर की तो उसमें जो वाइट स्ट्रेस है ना जो भी आपकी स्क्वायम्स होंगे वो थर्मोस्कोपी भी आपको वाइट नजर आएंगे और एपिडर्मिस में अगर फ्लूइड भरा होगा तो आपको ऑरेंज चीज होगा और ब्लड इसमें रेड ही आएगा और जो सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं ये ब्लू ग्रे ग्लोबुल सा डॉट्स है। Can you see the blue grey globules? Yes. Are these blue grey structures? Yes. There is. ये ना blue grey structures. Other features in this pic? Smoke peel like it. Are these blue grey structures? Yes. Look at the lesion. Here in the pigmented tetras or not? There is pigment. So, कोई बीसीसी तो नहीं हुआ अगर पिगमेंटेड टैग करके तो there is no pigment. मेलानोसाइटिक लीजन है, मेलानोमा है। मैंने कहा था ना कि आप डर्मोस्कोपी में पहला फीचर आप क्या देखेंगे वहां पर निकली कि पिगमेंटेड नेटवर्क है कि नहीं है, इसे पिगमेंटेड नेटवर्क है तो फिर ये कैटेनोसाइटिक लीजन हो नहीं सकता। नाउ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बीसीसी में किसी को कुछ है Now, squamous cell carcinoma present as an enlarging irregular keratinous nodule or a pale metal plaque that frequently ulcerates, often tender or painful looking on the sun-exposed face or wide scalp. They are rarely pigmented. The presence of actinic keratosis is usually evident on the neighboring and surrounding skin surface. Yes, basal cell carcinoma jo hai wo actinic keratosis ke saath bhi ho sakta hai, nahin chuni ke wo, sorry, squamous cell carcinoma. Bahut sare lesions hote jo field देखते हैं तो उसमें काफी एक्टिनिक केराटोसिस होता है, उसमें से भी कोई एटिपिकल लीजन निकल जाए तो वो अर्ली इनवेसिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। तो यहाँ डर्मोस्कोपी में बताती है कि कौन से लीजन की हमें बायोप्सी करनी है, ठीक है, हर लीजन की एक्टिनिक केराटोसिस की हम बायोप्सी नहीं कर सकते ना, तो जो डर्मोस्कोपी पे हमें एटिपिकल लगेगा जिसमें हमें फीचर लगेंगे तो फिर उसकी फिर हम हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे। नाउ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आर वाइड सर्कल्स, टारगेट वाइड हेयर फॉलिकल्स, वाइड स्ट्रक्चरलेस एरिया, पॉलीमॉर्फ वैस्कुलर पैटर्न, सेंट्रल केराटिन, पिंक और रेड बैकग्राउंड इन फोली डिफरेंशिएटेड और रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर। द डर्मोस्कोपिक पैटर्न ऑफ एससीसी डिपेंड्स ऑन द हिस्टोपैथोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। कि वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है या फिर फोली डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। अगर वेल डिफरेंशिएटेड आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके फीचर्स क्या होंगे, वाइट प्रीडोमिनेंट कलर रिजल्टिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, वाइड स्ट्रक्चरलेस एरिया, वाइट सर्किल जो है हमें फॉलिकल्स के आसपास मिलेंगे, ठीक है, और वाइट हेलोस जो है वो ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलेंगे, इनमें ये डिफरेंट है। हालांकि दोनों ही वाइट सर्किल्स होंगे लेकिन जो हेयर फॉलिकल्स के अराउंड मिलेंगे उन्हें वाइट सर्किल्स कहेंगे और जो ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलेगा उन्हें वाइट हेलोस कहेंगे।
and white amorphous masses of keratin. The white subcellular idiom is most common but less specific feature of squamous cell carcinoma, while white circles represent the most specific feature of SCC. तो यहाँ पे जो गेन है आपकी स्लाइड्स के लिए यही है कि डर्मोस्कोपी का मोस्ट कॉमन फीचर कौन सा हो गया, व्हाइट सर्कल्स, और मोस्ट स्पेसिफिक क्या हो गया, व्हाइट सर्कल्स एंड वैस्कुलर स्ट्रक्चर. अच्छा, वैस्कुलरिटी पे डिपेंड करता है कि ये लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल है हाई मैलिग्नेंट पोटेंशियल है. अगर लेस इन्वेसिव है तो उसमें वैस्कुलरिटी कम होगी और हाईली इन्वेसिव है तो वैस्कुलरिटी ज़्यादा होगी. Now, polyneuropathy is squamous cell carcinoma. Red is the predominant color, absence of staining and the presence of bleeding. Red vascularity. Tumor displays basal in more than 50% of the lesion, have a 30 to 124 increased possibility of being poorly differentiated. अब आपने डर्मोस्कोपी पे देखा कोई भी लीजन और आपको उसमें लग रहा है कि 50% से ज़्यादा मुझे वैसल ही नज़र आ रही, और वैसल भी एक टाइप की नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नज़र आ रही, तो आप कह सकते हैं कि ये पोली डिफरेंशिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. और जो वेल डिफरेंशिएटेड था उसमें वाइट कलर ज़्यादा आ रहा था, वाइट स्ट्रक्चर लेंस एरिया से, वाइट सर्किल से, वाइट डॉट, इसमें ऐसा नहीं है. ठीक है, तो अगर स्मॉल कैलिबर एसोसिएटेड विद पुअर डिफरेंशिएशन, जितना कैलिबर कम होगा ब्लड वेसल्स का उतना ही वो हाईली एग्रेसिव ट्यूमर. नाउ यू कैन सी जो हेयर फॉलिकल्स के अराउंड सर्किल है, ये वाइट सर्किल है. ठीक है, ये क्या है, लेस इनवेसिव है या हाईली इनवेसिव है? लेकिन थैंक्स टू डर्मोस्कोपी, अगर उसकी डर्मोस्कोपी की तो उसमें भी क्या नजर आया, पिंक कलर नजर आया. ठीक है, जो वेल डिफरेंशिएटेड का सब कलर क्या था, वाइट था और वाइट इन स्ट्रक्चर लेस एरिया थी, लेकिन जब उसकी डर्मोस्कोपी की तो उसमें रेड डिजिट नजर आया. और ये देखिए साइड में जो वैसल है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैसल है. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का एक फीचर ये होता है कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ ब्लड वैसल शुड बी प्रेजेंट हियर. तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में बताया, vessels can be dotted, can be glomular, can be gateway like, can be linear, serpentine. तो अभी सारे पैटर्न ध्यान में रखें, और अगर आपको इनमें से दो से ज़्यादा vessels का पैटर्न मिल रहा है तो ये आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, अब ये उसकी हम डर्मोस्कोपी की तो ये सस्पिशियस हो गया, फिर हमने इसकी वो वी कैन गो फॉर हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ दिस Now, this is a minimally invasive squamous cell carcinoma arising in association with evident actinic keratoma. अच्छा, अब यहाँ पर भी कोई वाली बात है कि अगर आपने किसी भी लीजन की डर्मोस्कोपी की और आप ये सोच रहे हैं कि आपके तरह आपकी विजन ब्रॉड होनी चाहिए, ये नहीं कि बस मैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही मैंने डीडी की तो मैं वही देखूंगी. आपको उसके आपको एक्टिनिक केराटोसिस के भी फीचर्स मिल सकते हैं, जो साइड में जो राउंड राउंड सर्किल है ये एक्टिनिक केराटोसिस को शो करते हैं. और एक्टिनिक केराटोसिस में ही कोई ये टिपिकल फीचर्स जैसे ही आपको ब्लड वेसल्स नजर आ गई, सर्पेंटाइन वेसल्स, हेयरपिन वेसल्स, तो एक्टिनिक केराटोसिस से ही जो ये अर्ली इनवेसिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे भी डर्मोस्कोपी का ये अच्छा फायदा हुआ कि आपने अर्ली लीजंस को डिटेक्ट कर दिया. दिस इज अ वन ऑफ अवर ओपीडी पेशेंट्स स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, देखने में लग रहा है आपको कि ये कोई कैंसर है. ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला लीजन था वो देखने में नहीं लग रहा, तो यहाँ पर डर्मोस्कोपी विल बी मोर हेल्पफुल. जैसे कि डर्मोस्कोपी पिक्चर यू कैन सी द वाइट स्ट्रक्चर लेस एरिया, यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन दिस पिक्चर, एंड दिस ऑरेंज ह्यू इज द सीरियस एजुकेटिव फेजर इन द एपिडर्मिस. नाउ एक्टिनिक केराटोसिस, एक्टिनिक केराटोसिस आल्सो कॉल्ड द सोलर केराटोसिस, देयर आर मल्टीपल प्रेजेंट एज मल्टीपल मैक्यूल्स पैक्यूल्स विद रफ येलो ब्राउन स्केली सरफेस. Mostly endocrine chronic and exposed areas carry risk of progression to invasive squamous cell carcinoma. Now, according to the recent classification, actinic keratosis is divided into three categories. Grade 1 actinic keratosis are slightly pulpate. मतलब देखने से ज़्यादा उसको pulpate करेंगे तो आपको rough feel होगा, तो ये grade 1 होगा. ठीक है, grade 2 में क्या होगा, moderate thickness होगी, आपको नज़र भी ठीक आएगा और आपको हाथ लगाएंगे तो जब भी आपको ठीक लगेगा. और ग्रेड थ्री में क्या ऑब्वियसली होंगे, वेरी थिक होंगे और हाइपरकेराटोटिक होंगे. अब इन तीनों क्लिनिकल फीचर को ध्यान में रखते हुए करेस्पॉन्ड करेंगे हम डर्मोस्कोपी के फीचर. ठीक है, इसकी ग्रेड वन है, ग्रेड टू है, ग्रेड थ्री है.
तो ग्रेड वन एक जो मोर परफेबल था लेस सीन था उसमें भी क्या नजर आएगा रेड सीडियो नेटवर्क एंड वाइट स्केल एंड इन द ग्रेड टू यू विल अप्रिशिएट स्ट्रॉबेरी पैटर्न कंसिस्ट ऑफ एन इरिजिमेटस बैकग्राउंड इंटरप्टेड बाय वाइट टू येलो इन लार्ज फॉलिकुलर ओपनिंग्स विद और विदाउट केराटिन प्लस एंड इन ग्रेड थ्री विच वॉज वेरी थिक एंड हाइपर केराटोटिक क्लिनिकली यू विल ऑल्सो सी डेंस हाइपर केराटोसिस और वो कैसी नजर आएगी वो डर्मोस्कोपी में वाइट येलो स्ट्रक्चर लेस एरिया इंक्रीज द विजुलाइजेशन ऑफ फॉलिकुलर ओपनिंग ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में क्या है ग्रेड टू में जो है फॉलिकुलर ओपनिंग हमें नजर आएगी डर्मोस्कोपी में ठीक है लेकिन ग्रेड थ्री में इतने हाइपर केराटोसिस होगा कि फॉलिकुलर ओपनिंग को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते So non-pigmented actinic keratosis on the face, it has four dermoscopic features, erythema, structureless pale red area, sparing the hair follicles, pink to red sedo network, fine wavy vessels and targetoid hair follicles. This is the picture of the actinic keratosis, outline of the resemblance with the fabricus. This is the central yellow color of keratin, central yellow color is both sugar hai, keratin plus, and the red is the halo hai, wo perifollicular orange is the sugar hai. Actinic keratosis hai. The term strawberry pattern refers to the distinctive dermoscopic appearance of actinic keratosis consists of a pink red sedo network with blurry vessels crossing between hair follicle opening filled with keratinous plug. This is another schematic presentation of actinic keratosis which resembles the strawberry pattern. Now dermoscopic characteristics of pigmented actinic keratosis include pigmented AK and berry are less common. And dermoscopic features overlap with lentigo maligna. It's more tested clinically. अच्छा यहाँ पे dermoscopy जब भी हम dermoscopy करते हैं तो हमें clinical feature को भी correlate करना है dermoscopy से और dermoscopy को clinically. ऐसा नहीं कि हम clinical को बिल्कुल ignore करना और dermoscopy पे diagnosis दे दें. ऐसा नहीं होता है. अब अगर हम यहाँ पे diagnosis confusion है lentigo maligna में ठीक है और actinic keratosis clinically कैसा होगा रफ होगा स्केली होगा थिक होगा और लैंडिको मैलिग्ना बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का होगा ठीक है लेकिन हमने इसकी डर्मोस्कोपी की तो तकरीबन सिमिलर होती है ठीक है अब उसको कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डर्मोस्कोपी देयर आर मल्टीपल स्लेट ग्रे टू ब्राउन डॉट्स एंड ग्लोबुल्स अराउंड द फॉलिकुलर ऑस्ट्रिया एनुलर ग्रैनुलर पैटर्न एज़ पर साइन ब्लैक डॉट लोकेटेड विद इन द ऑस्ट्रियल ओपनिंग टिपिकल ऑफ लैंडिको मैलिग्ना ठीक है अब ये डर्मोस्कोपी क्लिनिकल आपने रूल आउट कर लिया ये लैंडिको मैलिग्ना स्मूथ है होमोजीनियस है या टीनी केराटोसिस है रफ है लेकिन डर्मोस्कोपी के जरिए पिक्चर आपके सामने आ गई तो इसको हम कहते हैं एनुलर ग्रैनुलर पैटर्न जैसे मेडलास में डॉक्टर मैडम नाजी ने बताया था कि एनुलर मतलब होलो सर्किल होते हैं और जो ब्राउन से लड़की है इसे ग्रैनुलर पैटर्न ठीक है अब इस एनुलर ग्रैनुलर पैटर्न आपको लैंडिको मैलिग्ना में भी मिल रहा है और ये आपको टीनी केराटोसिस में भी मिल रहा है डिफरेंशिएट क्या है इसमें इसमें जो फॉलिकुलर ओपनिंग है लैंडिको मैलिग्ना में उसमें ब्लैक डॉट है जिसको हम कहते हैं एसोबर्साइन एसोबर्साइन नजर आ गया तो लैंडिको मैलिग्ना हो गया और एसोबर्साइन या ब्लैक डॉट आपको नजर नहीं आए तो वो एक्टिनिक केराटोसिस है ठीक है नाउ दिस इज द स्पेक्ट्रम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इट कंटेन्स एक्टिनिक केराटोसिस बोवेन केसेस अर्ली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडवांस्ड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड हियर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन इफ वी डू डर्मोस्कोपी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लीजन तो हमारी ये सबसे ज्यादा किसमें होगी मतलब अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डर्मोस्कोपी ज्यादा यूजफुल होगी या लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डर्मोस्कोपी ज्यादा यूजफुल होगी लेफ्ट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट फ्रॉम एके फ्रॉम एके टू एडवांस एके टू एडवांस एके टू ज्यादा ठीक है एक्टिनिक केराटोसिस से अगर हम डायग्नोसिस कर लेते तो ये अर्ली स्टेजेस पे हमारा डायग्नोस हो जाएगा डर्मोस्कोपी की वजह से एडवांस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा तो वैसे ही ऑब्वियस है और डर्मोस्कोपी करने का भी कोई फायदा उसमें इतना नहीं होगा ऑल्दो में एटिपिकल फीचर्स पता चल जाएंगे हमारी नॉलेज के लिए लेकिन ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर उसी को ही अगर हम बोवेन डिजीज की स्टेज पे एक्टिनिक केराटोसिस पे टिपिकल को डायग्नोस कर लेते हैं तो हमारे स्पेक्ट्रम में और डायग्नोसिस में और पेशेंट की प्रोग्नोसिस में इम्प्रूवमेंट होगा ठीक है तो ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई एटिपिकल फीचर्स इन अ टिपिकल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस पेशेंट अगर ये पेशेंट आपके पास आते हैं क्लिनिकल फीचर के साथ ये कोई देखने में तो ट्यूमरस नहीं लग रहा है वेल डिफाइंड है और ना कोई ट्यूमरस ग्रोथ भी नहीं है लेकिन इसकी जब हमने डर्मोस्कोपी की तो उसमें वाइट स्ट्रक्चर लेस एरिया भी नजर आए इसमें मोर देन टू ब्लड वेसल्स भी नजर आए तो ये एटिपिकल रीजन था इसको विदाउट डर्मोस्कोपी जो है इसको हम क्या कह रहे थे या फॉलो अप कर आते हैं पेशेंट को हम ये कह रहे थे या फिर कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं टॉपिकल कीमोथेरेपी दे देते हैं लेकिन डर्मोस्कोपी से अर्ली डायग्नोज हो गया तो अभी इन्वेसिव में कभी भी नहीं जा सकते हम इसको अर्ली ट्रीट करते हैं
अब इस पिक्चर को आप देखें, अगर पेशेंट इस तरह से आपके पास आता है, ऑल्दो हमने डर्मोस्कोपी इसलिए ली है, हमें एक मेडिकल डायग्नोसिस मिल रही है, लेकिन इसको इतना कोई डायग्नोस्टिक यील्ड नहीं रहा, ठीक है। Now these are the writings of the blood vessel in this picture. What is this? Squamous carcinoma. There is a polymorphism. You can see coil vessels, skull vessels, linear irregular and polymorphism. And this is the picture of squamous carcinoma. Can anyone tell me what is this? Hairpin vessels. Hairpin vessels. Hairpin vessels. Hairpin vessels. Hairpin vessels. Vascular polymorphism, vital tract norm, what is it? Squamous cell carcinoma. Are these arborizing vessels? Yes. Go back and remember. Very good. Now these are the crown vessels, which is the feature of facial hypoplasia. This is more elaborate by Dr. Kamal in the next presentation. What is this? Is this arborizing vessels? No, these are not arborizing. Are these crown vessels? No. देखिए क्रॉन वेसल्स कैसी थी, वाइटल स्ट्रक्चर्स था और इसमें सेंट्रल मैन के क्रॉस हो रही थी, ठीक है। और ये देखें पंक्चुअली फॉर्म वेसल्स है। बस यहाँ पे आपको ये अप्रिशिएट करना है कि आपको ऐसे वेसल्स कैसी होती हैं। Commonly encountered lesions in this regard, the scoric keratosis, sebaceous hyperplasia, and the dermatofibroma. So, coming towards the first one, there was scoric keratosis. This is a benign epithelial lesion, mostly present in the upper extreme of age and the photoexposed areas. And clinically, the early SKs are light to dark brown macules that later on give the appearance, stuck on appearance, and the surface of these lesions are mostly warty or keratotic. As you can see here, the clinical picture of the scoric keratosis is a warty appearance, and now coming towards the dermoscopic appearance. These are the dermoscopic features. The myelinal axis are actually whitish to yellowish ovoid structures, and they are also appreciated in some of the congenital nevi and melanomas, where they give the appearance of stars in the sky. They are put together, they are small and bright, while in the SKs they are a bit hazy and bigger. And coming towards the next one, you can see here the multiple myelial axis, the oval structures. Then the next one is the comedo-like openings. These are actually the rounded or oval structures, and having the black brown comedo-like ducts, and histologically they correlate with the keratin-filled invagination. Sometimes these are called as the steps. You can see here these are the comedo-like openings. These were the myelial axis. Then we have the hyperkeratosis fissures or ridges. Then the next one is the finger-like structures. These are actually the thread-like structures, and in some areas they are fat, and that's why they are called as the finger fat. And they are named so because of their appearance or resemblance to the fingers, the straight finger or curved or bent finger. Then we have the hairpin vessels. Here one, they resemble the hairpins. That's why they are named so. Then we have the slippery form appearance. These are actually the structures, they appear just like the sulci and gyri of the brain, and that's why they are named as a slippery form of factor. And you can see the dermoscopic picture, and we can see the multiple myelia here, and these are the cominos. Again, these are the myelia, and these are the biggest. The slippery form appearance, and its importance is that even in densities of myelia or the cominodes, if only this is present, we can like it's important
giving this clue for tonight. Providing us with a clear and magnified view of the hair and the other structures which are present on scalp.
However, it should be emphasized that trichoscopy, it is not a replacement of our normal routine history, clinical examination, and histopathology wherever needed. So what are the chief applications of trichoscopy? The chief applications of trichoscopy is in the diagnosis of different types of alopecias, both scarring and non-scarring alopecias, the inflammatory scalp disorders, the genetic hair shaft disorders, and apart from a diagnostic tool, it serves us to select optimal biopsy site, as has been discussed earlier, and to assess disease severity and monitor the response to treatment. As you use PASI score in psoriasis, you can use trichoscopy to assess disease response of treatment. So as already discussed, basically two types of dermatoscopes are used, handheld dermatoscopes and the video dermatoscopes. The handheld dermatoscopes, they give magnification of 10 to 20x, while the video dermatoscopes, they give a magnification higher, more than the handheld dermatoscopes, even up to 70 times the normal size of the image. And they have inbuilt storage capacity, you can store the pictures, and also you can view the fine details of scalp and hair and other disorders of the skin. But they are costly. So what you have to look under a dermatoscope while examining the scalp and hair? Basically, you have to focus on four structures. These are follicular openings which appear as dots, the hair shafts, the skin surface, both the perifollicular area and the interfollicular areas, and blood vessels. Now, dots, which are the follicular openings. You can see various colors of dots while examining the scalp by a dermatoscope. They can be of yellow color, black color, white color, which can be fibrotic or pinpoint white. And each color has its own significance. Yellow dots, they correspond to, as you can see in this trichoscopic picture, the yellow dots, they are multiple and evenly distributed, and they correspond to follicular infundibula of empty follicles, which are filled with sebum or keratotic material. So if you are observing yellow dots under a dermatoscope, they are empty follicles filled with sebum or keratotic material. There are different diseases in which you can find these yellow dots, like alopecia areata, androgenetic alopecia, and DLE. But their number and their distribution varies in each of these diseases. In alopecia areata, these yellow dots are regularly distributed, and their number, they correspond to disease severity. In androgenetic alopecia, the distribution is specific. The yellow dots, they are higher in number in the frontal area as compared to the occipital area. While in DLE, the yellow dots, they are larger in size, and they are accompanied by thick arborizing vessels, serpentine vessels, or tortuous branching vessels. Black dots, they are basically the pigmented broken hair or destroyed hair at the level of the scalp, as you can see in this trichoscopic image. And these are the conditions in which you can find yellow black dots. But you should keep in mind that the black dots, they alone cannot make a diagnosis. There should be constellation of other specific dermatoscopic features to make a diagnosis. And these black dots, they are present in tinea capitis, alopecia areata, the traumatic hair conditions like trichotillomania, traction alopecia, and inflammatory disorders like lichen planopilaris, DLE, etc. Coming to the white dots, what these white dots, they signify? These white dots, they represent scarred areas. These white dots show that the hair follicle has been destroyed. And if these white dots are present along with the loss of follicular ostia, then this is the hallmark of scarring alopecia. Sometimes in the initial stages of training, even in the later stages, you are unable to differentiate between the scarring and the non-scarring alopecias. So here comes the role of trichoscopy. Now, what you have to look at while examining the hair shaft with the dermatoscopy, you have to look at the diameter of the hair shaft and the hair shaft abnormalities, including the dystrophic hairs and tufting, hair tufting, etc. So this is a slide which shows multiple hair follicles with different calibers. So, and this is the hallmark feature of androgenetic alopecia.
This is called hair shaft thickness heterogeneity. We will later on discuss that why this heterogeneity occurs. The other important hair shaft abnormalities which can be visualized under a dermatoscope are monolithrix, pilitotide, trichorhexis nodosa, trichorhexis invaginata or bamboo hair. Monolithrix. There is beaded appearance of hair in monolithrix, which is not very clearly visible through naked eye, but with the help of a trichoscope, you can easily identify the uniform elliptical nodes and the intermittent constrictions in the hair shaft. This hair shaft has uniform elliptical nodes and intermittent constrictions. These intermittent constrictions, they show periodic thinning of the shaft. And these are the areas where hair shaft become weak and it can be easily broken at these sites. This trichoscopic sign is called regularly bended ribbon sign or regularly twisted ribbon sign. The next hair shaft abnormality is pilitotide. This is when the hair is flattened and twisted through 180 degrees on its axis at varying intervals. And you can see this abnormality in Mankey's kinky hair syndrome, ectodermal dysplasias, and even in the echoid disorders like lichen planopilaris. This is the trichoscopic image. Now, trichorhexis nodosa. In this disorder, there are multiple nodes along the hair shaft. And clinically, you cannot see the details of these nodes. But with the help of trichoscopy, you can see the brush-like endings. This is the trichoscopic image using video dermatoscope. It shows thrust paint brushes pattern as if two brushes are thrust into each other. So this is the characteristic of trichorhexis nodosa. The next hair shaft disorder is trichorhexis invaginata. It again, this is the disorder in which you can see nodes along the hair shaft. But if you see that, this is actually the microscopic image. This abnormality is better seen under a microscope. And this shows the ball and socket deformity of the hair shaft. Why does this deformity occurs? Because there is abnormal keratinization which affects the different points of the hair shaft. And the points where the hair is weak, the healthy hair, it is telescoped into the weaker part of the hair, forming the ball and socket deformity. I hope you are listening and enjoying the presentation. Thank you. Skin surface patterns. So you have to look for pigment pattern, the blood vessel pattern, the scaling, which both perifollicular and interfollicular scaling, and deposition of exogenous materials on the scalp. This is the picture showing a pigment network. You can see the honeycomb pigment network with scattered white dots. What white dots signify? Anyone of you? We have just read. Scarring. So these are the follicles which are scarred. This is lichen planopilaris. Frontal fibrosing alopecia is one of the forms of lichen planopilaris. And this honeycomb pigment pattern, it is normally seen in patients of colored skin. But if they are present with these white dots, this is characteristic of frontal fibrosing alopecia. The vascular structures. We can see simple red loops, twisted red loops, arborizing vessels, very thin or absent blood vessels. The simple red loops, this is a normal trichoscopic feature. And if they are absent, then it indicates that epidermal atrophy has been occurred. The twisted red loops, if they are multiple, they are evenly spaced, twisted, of course they are twisted, and they are in a homogeneous distribution, it is a feature of psoriasis. And occasionally you can observe these twisted red loops around follicles in folliculitis decalvans. We will discuss only the important diseases because of the shortage of time. The arborizing vessels. You have read one skin tumor in which you can see arborizing vessels. What was that tumor? VCC. But in scalp disorders, if you see white caliber arborizing vessels, this is a hallmark feature of DLE, along with other features of DLE, we will later on discuss.
And if there are few thin arborizing vessels, it may be present in healthy individuals. Multiple thin arborizing vessels, it is a hallmark of seborrheic dermatitis. These are the thin arborizing vessels, which is a normal finding in trichoscopy. The very thin or absent blood vessels, they may be present in healthy individuals, but more commonly they are present in diseases with systemic vasoconstriction, such as hyperthyroidism or scleroderma. Now coming on to the scaling, you can see diffuse scaling, perifollicular scaling, and tubular scaling. Diffuse scaling is, as you all know, it is present in psoriasis and seborrheic dermatitis. Perifollicular scaling is significant because it is a feature of lichen planopilaris, or and tubular scaling is also significant as it can occur in lichen planopilaris and folliculitis decalvans. What is the difference between perifollicular scaling and tubular scaling? In tubular scaling, the scale, it rises above the shaft to form a tubule. While in perifollicular simple scaling, the scale is only on the surface of the skin surrounding the follicle. Again, you can see the two pictures. On the left-hand side is the tubular scaling in folliculitis decalvans, and the perifollicular, in the other picture, the perifollicular scaling in lichen planopilaris. In this picture, you can appreciate brown structureless blotches on the scalp. Do you have any idea? No, it's written over there. Sorry. So you can mistakenly label it as some dermatosis of scalp. This is not so. It is actually the hair dye which has been deposited on the surface of the scalp. So you have to rule it out while taking the history. Now we will discuss the trichoscopic features of important hair and scalp disorders quickly. Alopecia areata, you all know this is patchy, non-scarring alopecia. What abnormality occurs mainly in alopecia areata? It affects the shaft of the hair follicle. So we see different dystrophic hairs in alopecia areata, like exclamation mark hair, which you can easily pick up on clinical examination as well, but it is more clearly visible if they are small. It is more clearly visible with the help of trichoscope. All these abnormalities are formed due to the broken hair. They are forming different morphologies. The exclamation mark hair, the black dot, the tapered hair. Tapered hair is actually adiposcus constrictions. These are the constrictions which are formed due to sudden arrest of growth of the hair follicle. The other findings are regrowing hairs, yellow dots, and vellus hair. In alopecia areata, this is the trichoscopic picture showing the yellow dots, the exclamation mark hair, the tapered hair, and black dots as well. Yes, regrowing hair as well. Someone has already started well. So androgenetic alopecia, what is androgenetic alopecia? It is actually basically in genetically predisposed individuals. What is happening in androgenetic alopecia is that the hair follicle, the anagen phase of the hair follicle, it is progressively shortened. It shortens, and the post-exogen phase. What is the post-exogen phase, anyone? What is the exogen phase? This is the exogen is the fallout phase of the hair follicle, in which the follicle is out of the skin and it has not yet entered into the next anagen phase. So it is the latent phase. This latent phase is prolonged in androgenetic alopecia, and the actively growing anagen phase is shortened. So this causes progressive miniaturization of the hair follicles in androgenetic alopecia. And trichoscopically, this sign, it appears as hair shaft heterogeneity. It means that you can see thin intermediate thickness and thick hair simultaneously in the scalp. Now coming on to trichotillomania. Trichotillomania, sometimes you are confused in trichotillomania and alopecia areata. So here comes the role of trichoscopy. Both of these disorders have their own specific trichoscopic features. Talking about trichotillomania, you see the clinical features are the unequal lengths of the hair,
which is better appreciated in trichoscopy. What is the difference between broken hair in alopecia areata and broken hair in trichotillomania? Anyone? Yes, they are they break at different levels. While in alopecia areata, they break at the same levels. Exclamation mark hairs honge wo almost of the same length honge. Tapered hair almost of the same length honge. But here you can find unequal lengths of hair, which is better appreciated under a dermatoscope. There are other dermatoscopic specific trichoscopic features in trichotillomania, which are in the B pictures, you can see the hook hair. These are again broken hair forming the shape of a hook. In picture C, you see flame hair. What are flame hair? They are semi-translucent hairs in the form of a cone. In picture D, you see V sign. V sign is very specific for trichotillomania. Why? How this V sign is formed? Any idea? The V sign is formed when the patient pulls the hair from a single follicular unit with the same force at the same angle. It forms a V. It is very specific for trichotillomania. Then in the E picture, you see tulip hair. The blue arrows, they are pointing towards the tulip hair. The distal end of the broken hair, it seems a little hyperpigmented as compared to the proximal part. This is due to the diagonal fracture of the hair follicle. And last, it is the hair dust, which is formed when the hair are completely destroyed. So out of all these trichoscopic features, the first three are the most specific, which are hook hair, coiled hair, and V-sign. The trichoscopic features of tinea capitis, we can see comma hair, the corkscrew hair, the corkscrew hair are intensely coiled hair. The zigzag hair, they are hair bent at sharp angles at specific points. And other important trichoscopic finding of tinea capitis is Morse code-like hair. Any idea about Morse code? Telecommunication ka ek code hota hai. In which the alphabet, jo English alphabets hote hain, A, B, C, D, they are represented by lines and dots. Aur ye, you can see a broke, jo ek blue arrow hai. Look at the blue arrow. It is showing a hair follicle with lines with intervening white areas, dots. So this is the Morse code-like hair. Why this Morse code hair form? The white areas, these are formed due to the infestation of dermatophyte within the hair follicle. Then DLE. DLE also have specific trichoscopic features, as we have already read. What was the specific feature? Yes, the white caliber arborizing vessels. What other features we can see? The empty areas which show the destroyed hair follicles, the yellow dots. What is the difference of yellow dots in DLE and alopecia areata? Kya difference hoga? In alopecia areata, the dots are multiple and regularly arranged. While here, the dots are larger in size as compared to those in alopecia areata, and they are brownish in color along with the arborizing vessels. This picture, trichoscopic picture, also shows the tortuous vessels. Blue-gray dots. The blue-gray dots, it is also present in another inflammatory condition of the scalp. Can anyone name it? Kis mein hote hain blue-gray dots? Like in planopilaris mein. Dono ki jo morphology hoti hai, that is different. Tukka lag gaya. To jo blue-gray dots DLE mein hain, they form a speckled pattern. आगे पढ़ेंगे कि lichen planopilaris के जो blue grey dots हैं उनका pattern क्या होता है. This is lichen planopilaris trichoscopy. You can see the perifollicular scales and perifollicular casts. Casts hair shaft के around form हो रही हैं. And the perifollicular erythema you can see in the active stages of lichen planopilaris. Initially lichen, there was another important trichoscopic feature of lichen planopilaris.
पहले पढ़ा था हमने, कुछ डॉट्स थे, यस वाइट डॉट्स. Lichen planopilaris is involving the hair follicle and it is destroying the hair follicle and replacing it with a fibrous tissue. So what occurs initially, you find the white dots that are getting on the hair follicles, and when they coalesce, they form patches of white areas. So ye burnt out disease ho gayi, that is irreversible cicatricial alopecia ho gaya. So if you pick up the lichen planopilaris in the initial stages, you can save the patient from irreversible hair loss. So these are the blue-gray dots. What is the difference here? How is they are different from the last slide? The blue-gray dots of DLD. That was speckle pattern, and the blue-gray dots in lichen planopilaris, they are forming the target pattern because the blue-gray dots are formed around the hair follicle. So this was the last slide of my presentation, and I will end up with one of my all-time favorite quotes, that our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Thank you so much. Assalamu alaikum. I'm Sergeant Lieutenant Commander Shakila. I hope you have learned a lot from this workshop, as you are continuously attending lectures since morning. So I will just float a quiz in which you have to, I will give 1 minute for each slide. You have to write the findings, just whatever you are seeing in this picture, you have to write 2 to 3 findings, and then at the end of finding, you need to write the diagnosis. I will change each slide after 1 minute, and at the end of 15 slides, we will just discuss the key of these slides, okay? Slide number 3. Slide number 4. Slide number 5. Slide number 6. Next. Next slide. Next slide. Slide number 10. Slide number 11. Slide number 12. Slide number 13. 14. Okay, what are the findings which are shown in this picture? Sorry? What is the color of this lesion? It's a pigmented lesion, okay? So what about the borders? Scallop or moth-eaten borders, okay? And the color distribution, what about the color distribution? It's homogeneous color distribution, and the borders are moth-eaten borders, and there is no as such color variation, but there in the center there is a white area. Mm-hmm. So what is the diagnosis? Solar lentigo. Okay. Same ek hi brown ka shade hai, okay? और इसके जो बॉर्डर्स हैं, मेनली हमें बॉर्डर्स के ऊपर फोकस करना है. इसके जो बॉर्डर्स हैं और फिंगरप्रिंट पैटर्न, अगर आप देखें तो इसकी पेरिफ्री के अंदर फिंगरप्रिंट पैटर्न बन रहा है बॉर्डर्स के ऊपर, ठीक है. एंड दिस इज अ फीचर ऑफ सोलर लेंटाइगो, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट आर द फीचर्स शोन इन दिस स्लाइड? वन बाय वन. एनीवन रेज योर हैंड. यस यू. यस ठीक है. गुड. Wonderful, very good. Okay, it's see, yes, the arrow, the black 4 arrows which are on the right side, they are showing pseudopods, atypical, but these pseudopods are atypical pseudopods. In some of the diseases you get these pseudopods, but they are present all around the lesion, but in melanoma this feature shows that this is a malignant lesion when pseudopods are present on one side or at a specific one portion of the disease. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Fatma Hassan, PG Dermatology, and I'll be discussing entemo dermoscopy, that is the dermoscopy of the parasitic infections.
And along with that, we'll be covering a few other infectious diseases which are commonly seen in our dermatology OPD. So, entamodermoscopy is a dermoscopic study of the infesting microorganisms, and it is an important and useful tool because it, first of all, it helps us to confirm and identify the species of the organism, and it also helps us to locate the exact location of the current parasite. So, in parasitic infections, we'll be covering three diseases which are very commonly seen in our OPD, scabies, cutaneous larva migrans, and pediculosis. After that, we'll be covering lupus vulgaris, cutaneous leishmaniasis, warts, molluscum contagiosum, and tinea corporis. So first of all, scabies. So as we know that scabies is caused by the mite, and it clinically presents as intensely pruritic lesions, erythematous papular lesions, excoriation marks, and the burrows in the interweb spaces. So this is a clinical picture of the burrows. On the left side, we can see the erythematous papules, and the right picture shows the clinical picture of the burrows. So in dermoscopy, we have the important thing to remember is that what we see are small, dark brown triangular structures, which are at the end of hazy, wavy lines. So the triangular structures, they represent the interior part of the mite, and the contrail segment, it represents the mite burrow along with the eggs and fecal pellets. So the dermoscopic appearance of scabies is also known as wingjet and contrail sign. So as shown on the picture on the left side, the wingjet is basically the triangular wings of an aircraft, and the contrail is basically the condensation of the water when the aircraft is at a high altitude. So the triangular portion, the brown portion, seen over here, this is a wingjet and this is the contrail segment. So this brown portion, this represents the interior part of the mite. This this basically represents the mite, and this contrail segment, this represents the burrow that contains the fecal pellets and the eggs. So this is called wingjet and contrail sign. So on the left side is the clinical picture of the scabies, and on the right side, you can see this portion over here, this brown part. This is the wingjet, and these lines, these are the contrail. So ye wala part hai, this represents the mite, and this wavy, these wavy lines, these show the burrows containing the eggs and the fecal pellets. Again in this picture, this is the triangular structure, and these are the wavy lines. Again over here, this is the triangular structure, and these are the wavy lines. So scabies mein clear ho gaya ki scabies ki dermoscopy mein ye yaad rakhna hai, wingjet and contrail sign. Wingjet are the triangular brown structures jo ki mite ko represent kar rahe, aur jo contrail segment hai wo kisko represent kar rahe, burrows aur fecal pellets ko. Next is the cutaneous larva migrans. So cutaneous larva migrans is caused by the hookworm larvae that usually infects the cats, dogs and other animals. And it clinically presents as an erythematous papular serpiginous lesion, and there can also be associated itching, pain, and swelling. So these pictures show the clinical images of a patient with cutaneous larva migrans on the feet. So the important thing in the dermoscopy of cutaneous larva migrans is that we can actually locate where the larva is actually present at that point. So on the left side is a clinical image of the cutaneous larva migrans, and the right side is the dermoscopic image. You can see the point where the larvae is actually present, it will be is basically seen as a brown translucent structure. I hope everybody can appreciate this. This brown translucent structure. And this is the path that the larvae followed. But this is the empty burrow, and it will be seen as red dotted vessels. So agar hamare paas ek patient aaya hai to hum ye bhi dekh sakte hain ki agar uske paas erythematous lesions aa gaye hain ki whether the larvae is still present or not, and at what actual location is the larva present. So jahan larva present hoga wo kaisa dikhega, brown translucent structure is tarah ka, aur jo baki path hai wo empty burrow ka jahan par red dotted vessels honge. Next is pediculosis. So pediculosis is caused by the human lice.
pedicellus humanus, and it clinically presents with intense pruritus, excoriation, and scaling. So in the dermoscopy of pediculosis capitis, the important thing is that we can either identify the actual lice or we can see the nits. So if this picture shows the actual lice. So if we are seeing the actual lice, the human lice, it has this elongated body with three pairs of clawed legs. One pair, ek pair hai, ek pair hai, ek pair hai. Elongated body hai. And this narrow anterior mouth portion. तो ये structure है lice का. तो या तो हम actual में वो lice इस तरह देख सकते हैं, or we can see the nits being clasped to the hair shafts. What are the nits? Nits are basically eggs of the lice. So these nits, they can either be empty or they can be filled. Filled with nymphs. Nymphs क्या होते हैं? Which are basically immature lice. तो या तो जो ये वाली picture है, here we can see the actual lice. और lice का structure कैसा है? Elongated body है. Three pairs of clawed legs hain, and an anterior small mouth part. So these are the pictures of the nits. So if the nit is empty, it will be seen as a translucent structure. And if the nit is filled with nymph, it will be a brownish, dark brown color structure. So yahan par ye clear ho raha hai ki jo ye wala hai, ye kaun sa hai? Filled hai, kyunki dark brown sa hai. Aur ye wala? Ye empty hai. So ab hame jo पेडिकुलोसिस है उसमें दो चीज़ें क्या नज़र आ सकती हैं, या तो लाइस इट सेल्फ नज़र आएगा और या फिर नेट्स नज़र आएंगे, और नेट्स या तो एम्प्टी होंगे या फिल्ड होंगे. सो नेक्स्ट इज कुटेनियस लीशमेनियसिस. कुटेनियस लीशमेनियसिस इज कॉज्ड बाय द सैंड फ्लाई एंड इट क्लिनिकली प्रेजेंट्स एज स्लोली स्लो ग्रोइंग इनफिल्ट्रेटेड एरिथमेटस पैप्यूल्स एंड नोड्यूल्स. दे देन ग्रो टू फॉर्म टेंडर नोड्यूल्स. दे मे अल्सरेट इन द सेंटर एंड दे हील विद एन एट्रोफिक स्कार. This is the clinical image of cutaneous leishmaniasis with an ulcerated plaque. So the important dermoscopic findings to remember in dermoscopy of cutaneous leishmaniasis are four. Number one is diffuse erythema. Number two is polymorphic pattern of vessels. They can be jo jis tarah aapne start mein different pattern of vessels padhi hain, wo sari ho sakti hain, but the most common ones are irregular linear, arborizing, and hairpin vessels. Third is the yellowish tears, and the fourth is starburst pattern. So yellowish tears are basically yellowish structures in a teardrop pattern, and they form when basically jo cutaneous leishmaniasis ka lesion hota hai, when it grows, it basically compresses the follicular ostium, aur uski wajah se jo hai wo follicular yellow plugs ban jate hain, aur wo jo yellow plugs hain wo teardrop shape mein nazar aate hain, aur jo starburst pattern hota hai वो बेसिकली हमारा एकैंथोस जो हाइपर केराटोसिस होती है, पैरा केराटोटिक हाइपर केराटोसिस होती है अराउंड द लीजन्स, उसकी वजह से नजर आता है. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि जो येलो टीयर्स होते हैं, दे विल बी सीन इन द अर्ली लीजन्स ऑफ कुटेनियस लीशमेनियसिस. अर्ली मीन्स लेस देन सिक्स मंथ्स ओल्ड. एंड स्टारबर्स्ट पैटर्न विल बी विजिबल इन द लेटर और क्रॉनिक लीजन्स ऑफ लीशमेनियसिस विच आर एटलीस्ट मोर देन सिक्स मंथ्स ओल्ड. सो अभी हमने चार बातें की थी, डिफ्यूज एरिदमा, पोलीमॉर्फिक वेसल्स, येलो टीयर्स और स्टारबर्स्ट पैटर्न. जो फर्स्ट दो हैं वो तो कॉमन है, स्टारबर्स्ट लेट में होगा और येलो टीयर्स अर्ली लीजन में होगा. सो दिस इज अ कंपैरेटिवली अर्ली लीजन, तो इसमें ये जो है ये येलो टीयर्स हैं. सब अप्रिशिएट करें, ये येलो येलो और ये डिफ्यूज सा अरिदमा है सारा, एंड देर आर पोलीमॉर्फिक पैटर्न ऑफ वेसल्स. तो दिस इज एन अर्ली लीजन ऑफ कुटेनियस लीशमेनियसिस. दिस इज अ comparatively an older lesion of cutaneous leishmaniasis. Here we can see diffuse erythema plus yellow tears bhi hain, plus yahan par ye ek white sa ye jo starburst sa pattern hai, matlab intense white sa ye jo ye nazar aa raha hai, ye wala part hi hai scaly sa, to ye basically show karta hai parakeratotic hyperkeratosis ko. This is clinical image of our own patient from the OPD, and its dermoscopic picture as well. So this shows diffuse erythema. Also there are some white structureless areas, then there are polymorphous vascular pattern, then there are some starburst pattern as well. So jo cutaneous leishmaniasis mein char baatein yaad rakhni hai, wo hain diffuse erythema, polymorphic vessels, yellow tears aur starburst pattern. Aur early lesions mein kya hoga? येलो टीयर्स और लेट में स्टारबर्स्ट पैटर्न. नेक्स्ट इज ल्यूपस वल्गैरिस.
So lupus vulgaris is caused by Mycobacterium tuberculosis and it clinically presents as discrete red-brown papules which may coalesce to form plaque with central atrophy, and this is the clinical picture showing lupus vulgaris. So the important dermoscopic findings to remember are two: either focal or diffuse yellowish-orange structureless areas and linear branching vessels. These are the two main dermoscopic findings. Other findings may include myelia-like cysts, white scales, pigmentation structures, and follicular plugs. Now, the important thing to remember is that this dermoscopy of lupus vulgaris, it clinically mimics the dermoscopic findings of sarcoidosis. But the differentiating point is that when you apply, जिस तरह हम ल्यूपस वेलगैरिस में डायस्कोपी कर रहे होते हैं तो हमें वो एप्पल जेली नोड्यूल्स मिलती हैं, इसी तरह अगर हम डर्मोस्कोप को थोड़ा प्रेशर से अप्लाई करेंगे तो जो ल्यूपस वेलगैरिस होगा उसमें थोड़ा येलोइश ह्यू ज़्यादा नज़र आएगा और जो सार्कोइडोसिस होगा उसमें ऑरेंजिश ह्यू नज़र आएगा. इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू डायस्कोपी. डायस्कोपी में भी हम यही कर रहे होते हैं कि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास येलो ह्यू ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. सो हेयर वी कैन सी येलो ऑरेंज ह्यू है, ठीक है, लीनियर ब्रांचिंग वेसल्स हैं और ये कुछ मायलिया लाइक सिस्ट्स हैं. अब जो ये पिक्चर है, दिस इज अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ ल्यूपस वल्गैरिस. हेयर वी कैन सी एक तो येलोविश ऑरेंज डिफ्यूज एरिदमा है, देन देयर आर लीनियर ब्रांचिंग वेसल्स, ये सारी मायलिया लाइक सिस्ट्स हैं, ये. अब जो बी और सी में डिफरेंस ये है कि सी पे हमने वी अप्लाइड द डर्मोस्कोपी द प्रेशर तो हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा येलोविश ह्यू ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया. जो सार्कोइडोसिस होता है उसमें ऑरेंजिश ह्यू ज़्यादा होता है. सो ल्यूपस वल्गैरिस की दो मेन डर्मोस्कोपिक फाइंडिंग्स क्या थी? ऑरेंजिश ह्यू है और जो येलो ऑरेंज एरिदमा है, अगर डायस्कोपी की तरह प्रेस ज्यादा करेंगे तो येलो ह्यू ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और लीनियर ब्रांचिंग वेसल्स. देन इज मोलस्कम कंटेजियोजम. मोलस्कम कंटेजियोजम इज कॉज्ड बाय डीएनए स्किन कलर्ड पैप्यूल्स एज शोन इन द पिक्चर बिलो. The dermoscopic findings, there are three important dermoscopic findings: yellowish white or bright white. Bright white if polarized light is being used. Structures, crown of fine, linear and blurred vessels and central orifice and depression. Now the important thing is that the important dermoscopic differential of meliscum contagiosum is sebaceous hyperplasia. But if you people remember, in sebaceous hyperplasia the crown vessels, they do not cross the center. But in molluscum contagiosum, the vessels cross the center. So this is the differentiating point of dermoscopy of sebaceous hyperplasia and molluscum contagiosum. So here we can see bright white structureless areas. These bright white structureless areas, they basically correlate histologically with acanthosis, papillomatosis, and hyperkeratosis. And here we can see red dotted vessels. Yes, sorry. और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये सेंट्रल ऑरिफिस का डिप्रेशन है. अब जो वेसल्स बीच में क्रॉस करती हैं वो नेक्स्ट पिक्चर में ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें, तीन चीज़ें हमने कही हैं ना, एक तो ब्राइट वाइट स्ट्रक्चरलेस एरियाज हैं, एक सेंट्रल डिप्रेशन है और वेसल्स हैं जो कि सेंटर को क्रॉस कर रही हैं. तो दो चीज़ें तो यहाँ क्लियर, ये जो ये स्ट्रक्चरलेस वाइट एरियाज हैं ये सेंट्रल डिप्रेशन है. अब जो वेसल्स हैं वो ये, अब जो ये वाली वेसल्स हैं यू कैन सी दे आर क्रॉसिंग द सेंटर. ये ऐसा नहीं है कि बीच में कोई एरिया स्पेयर हो रहा है, ये सारी जगह पर ही आ रही हैं. और जो नेक्स्ट पिक्चर है ये हम पहले भी देख ली, हमने सेबेशियस हाइपरप्लेजिया की है. अब जो ये वाली वेसल्स हैं ये सेंटर में नहीं आ रही हैं, तो ये सेबेशियस हाइपरप्लेजिया की वेसल्स हैं और ये मोलस्कम कंटेजियोजम की वेसल्स. सो मोलस्कम कंटेजियोजम में तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं: वाइट ब्राइट वाइट स्ट्रक्चरलेस एरियाज और वेसल जो कि क्रॉस कर जाए सेंटर को. नेक्स्ट आर कॉमन वॉट्स. सो वॉट्स आर वायरल इन्फेक्शंस, दे प्रेजेंट एज एक्सोफेटिक वेरुकस डोम शेप्ड पैप्यूल्स और प्लाक्स. डर्मोस्कोपिक फाइंडिंग्स में देर इज मोज़ेक पैटर्न विच इरेगुलर वाइटिश स्ट्रक्चर्स एंड देर आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड रेडिश टू ब्लैक डॉट्स. दीज रेडिश टू ब्लैक डॉट्स दे आर बेसिकली ड्यू टू हेमरेजेस एंड एक्सट्रावेजेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स एंड देन फ्रॉग स्पॉन अपेयरेंस. सो नाउ हेयर वी कैन सी, हेयर यू कैन सी इरेगुलर वाइट स्ट्रक्चर्स, ये नज़र आ रही है, ये वाला वाइट, ये सारे इरेगुलर वाइट स्ट्रक्चर्स हैं. ये ब्लैक डॉटेड वेसल्स हैं बीच में, ये सारी. अब जो फ्रॉग स्पॉन अपेयरेंस है, ये फ्रॉग स्पॉन अपेयरेंस है, ये वाले. सो बेसिकली फ्रॉग स्पॉन क्या होते हैं? फ्रॉग स्पॉन ये होते हैं व्हेन फ्रॉग्स दे ले डाउन देयर एग्स.
तो ये होता है कि ये बीच में उनका एग है और ये एक ट्रांसल्यूसेंट हेलो है. तो इसी तरह की क्लिनिकल पिक्चर यहाँ बनती है कि ये बीच में थ्रोम्बोस्ड वेसल है और सराउंडिंग ब्राइट वाइट स्ट्रक्चर है. तो ये फ्रॉग स्पॉन अपेयरेंस बनती है. और जो फ्रॉग स्पॉन अपेयरेंस होती है इट्स मोर कॉमन इन द पाल्मो प्लांटर वॉट्स एज कम्पेयर टू द अदर वॉट्स. फिर जो प्लांटर वॉट्स हैं उसमें जो एक सेपरेट फाइंडिंग मिलती है विच इज वेरी मच कॉमन इन द प्लांटर वॉट्स दैट इज द दिस फायर स्ट्रीक अपेयरेंस. तो इस तरह की ब्लैकिश ब्लैक रेडिश फाइबरस स्ट्रीक्स ही बनती हैं. ये बेसिकली इसी वजह से होती हैं, हेमरेजेस की वजह से, एक्स्ट्राविजेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स की वजह से. और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वॉट्स में इंपॉर्टेंट होती है कि देयर इज इंटरप्शन ऑफ द डर्मोग्लाइफिक्स. जिस तरह जब हम क्लिनिकली भी देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे डर्मोग्लाइफिक पैटर्न है वो इंटरप्ट हो जाता है वॉट्स में. तो दो बातें प्लांटर वॉट्स की इंपॉर्टेंट है, एक तो ये फाइट स्ट्रीक पैटर्न और दूसरा इंटरप्शन ऑफ द डर्मोग्लाइफिक्स. और पाल्मो प्लांटर वॉट्स में क्या था, जो फ्रॉग स्पॉन अपीयरेंस. सो द लास्ट वन इज टीनिया कॉर्पोरिस. Tinea corporis is caused by dermatophyte infection and it presents clinically as single or multiple erythematous circular sharply demarcated lesions with peripheral scaling. So the dermoscopic hallmark is the peripherally distributed white scale and the peculiar characteristic of this scale is that it progresses inward to outward direction and also there are monomorphic dotted vessels peripherally. So it forms a Beard's collarette sign. Beard's collarette sign mein basically kya hai? Beard's collarette sign is basically a pathognomic for secondary syphilis ke jo lesions hote hain. Usme kya hota hai ki hamare paas ek erythematous macule ya papule hai aur uske jo margin hai uspe scaling hai. To usi tarah ka jo Beard's collarette like scale hota hai wo hame Tinea corporis ki dermoscopy mein milta hai. Jo hame is tarah ke margins hote hain wo erythema annularis centrifugum mein bhi mil sakte hain aur lesions mein bhi mil sakte hain. इसमें और सेकेंडरी सिफिलिस में जो कॉमन बात ये होती है कि जो स्केल होता है इट इज गोइंग फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड डायरेक्शन ये होती है. सो ये सारा ये जो ये मार्जिन है वाइट स्केल. अब इसको आइडेंटिफाई इस तरह करते हैं बियर्ड्स कॉलरेट स्केल को कि जो उसका स्केल का आउटर मार्जिन होता है ना ये थोड़ा ज्यादा शार्पली डिमार्केटेड होता है और जो इनर मार्जिन होता है वो इतना शार्पली डिमार्केटेड नहीं होता. ये चीज़ इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर होगी. सो ये एक एरिथमेटस पैच है, मतलब एरिथमेटस एरिया है. और ये देखें जो ये वाला मार्जिन है ये काफ़ी शार्पली डिमार्केटेड है ये सारा, लेकिन जो अंदर वाले हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मार्जिन कहाँ पर है. तो दिस इज बियर्ड्स कॉलरेट लाइक स्केल. इसमें भी यही है कि अब ये वाला मार्जिन बहुत अच्छा समझ आ रहा है बाहर वाला, लेकिन अंदर वाला इतना शार्प नहीं है. थैंक यू. Thank you, Dr. Fatma, for a very crisp presentation. So now, inflammoscopy will be taught by Dr. Huma. Assalamu alaikum. I'm Dr. Huma, a resident dermatology. And today, my topic of presentation is inflammoscopy and some vascular disorders, which we are seeing in usually in our OPD regularly. So first of all, the moon is always full, it's just our view that it's partial. So with the dermoscope we can see beyond the clinical image. Dermatoscopy, inflammoscopy and other non-malignant lesions, which includes inflammatory dermatosis and some vascular lesions. So first of all, very common papulous squamous disorder. I will not go through the clinical details because all we know and we are seeing every day a lot of patients with these disorders. So in dermoscopy, as my colleague also told you, there will be regular punctate vessels and scale in case of psoriasis. And there can be globules and twisted red loops also. So is this a picture of psoriasis? Anyone? No. This is not the picture of psoriasis because there will be regular dot vessels in psoriasis. Always there will be regularity. So this is a picture of seborrheic keratosis with many hairpin vessels and few myelia-like cysts, you can see. Next, lichen planus. There are multiple phases of lichen planus in which the first one is the active phase of lichen planus. As we all know, we can see clinically also there is a Wickham's stria in the center.
and dotted or linear vessels will be there. Sometimes some central keratin plaques also seen in the case can also be present. And there will be increase in number and size of hyperkeratotic variants. So this is the picture of, again, the lichen planus, but this is the hypertrophic LP. There's Wickham's stria, there's peripheral brown pigmentation, bluish-gray globules. Black arrow is showing the bluish-gray globules. There will be red dots and follicular keratotic plaques. So this is the picture of regressing phase of LP. There is multiple gray dots or blotches. This pattern indicates as clinically persisting course of discoloration, also known as ashy dermatitis. Is this a picture of LP, active phase with the Wickham's stria? Agree karte ya nahi? No? Why? No, not actually. The lesion has a central striate white scar area surrounded by a pigment network. A ring-like globules can be seen in the center of the lesion. This is actually dermatofibroma, which is very close differential of Wickham's stria, LP. Eczema. In hand eczema, there will be dotted vessels in an unspecific distribution. So regular dotted vessels we have seen in psoriasis, and there will be irregular distribution with yellow serocrust we will be seeing in eczema. In numular eczema, there will be different picture. There will be yellow serocrust with few dotted vessels. We can see hemorrhages as a result of itching also. In astrotic eczema, there will be yellowish scales and characteristic rail-like white scales having two free edges. You can see two free edges of this scale in this picture. This is a picture of this is also a picture of eczema, but the patient who used a lot of steroids for a long time. Na? So these are linear telangiectative vessels in a lesion of eczema overrated with topical steroids. Pyrosia. There will be a mixture of brown and gray pigment and dull red background, no vascular patterns, white peripheral scales called as a colorate of a scale. This is hypopigmented P. versicolor. The dermoscope is showing double-edged scaling. It will be well appreciated when you will stretch the skin basically. In a stretch of skin, this will be more prominent. The lesion skin almost forming a checkerboard pattern, a faint brown blotches and a brownish reticular area also seen. This is also another picture of P. versicolor, but it is after treatment. After treatment, we can see how much the treatment is affecting the patient. Then there will be diffuse white structureless areas with faint pigmented network. Hairs in the centers of stellate macules, called as folliculotropism, are seen with the black arrows. So there are four lesions basically, different pathology. Dermatitis, in which we will see yellow serocrust and a few dotted vessels. Psoriasis, in which regular pattern of dot vessels. And P. rosea, there will be fine peripheral scale and dotted vessels in an unspecific distribution. And lichen planus, there will be Wickham's stria in the center and other features. This is a clinical picture of porokeratosis. With the thready margin. In dermoscopy, you can see a double rim of scale. Center is hypopigmented. In vascular lesions, mainly four, hemangioma, angiokeratoma, and hemangioma of infancy, and pyogenic granuloma. In hemangioma, there will be red lacunae on the top left. And in angiokeratoma, with black to reddish brown, bluish lacunae, and a white veil also. In hemangioma of infancy, consisting of multiple small, well-demarcated red lacunae scattered throughout the lesion on a background of red, whitish, homogeneous color. Occasionally, a red network vessels is visible. In pyogenic granuloma, it consists of a central red, whitish, homogeneous area and scattered white rail lines surrounded by a colorate of a scale. Hemangioma. This is the clinical and dermoscopic picture of hemangioma in which you can see vascular globules. Lacunae. Is this hemangioma? Yes, ma'am? Okay, let's see.
This is partially thermosed hemangioma. Okay? Shows violaceous lacunae with whitish veil on the right and one dark lacunae on the left. Hemangiomas that develop a partial or total thrombosis can acquire focal or total blue-black color and resemble melanomas. In clinical picture, you can see it's looking just like a melanoma. Now, angiokeratoma. The clinical picture without dermoscopy was, is picture ka jo basically diagnosis tha without dermoscopy wo melanoma bana tha. Then after dermoscopy, the lesion reveals multiple dark lacunae and a whitish veil, both of which are commonly seen in solitary angiokeratomas. Is this angiokeratoma or some malignant lesion? What do you say? Malignant? Okay. Large central hemorrhagic crust, which is surrounded by a whitish veil. A few dark lacunae and multiple polymorphous blood vessels are visible. This is actually atypical angiokeratoma, which is the very close differential of malignancy, melanoma. Yes, it is. There is a large central hemorrhagic crust, as I told you, and few dark lacunae and multiple polymorphous blood vessels. Is this angiokeratoma? Anyone? No, this is not. So dermoscope is showing leaf-like areas, multiple blue-gray ovoid nests, and a telangiectasia in the right part of the lesion. This was basal cell carcinoma. Now, pyogenic granuloma. There will be central red-white whitish homogeneous area surrounded by a white collarette, in addition white lines or rail lines intersecting in the reddish-white homogeneous areas can be seen in pyogenic granuloma. Is this pyogenic granuloma? Let's see. Yes, it is. There will be central red-white homogeneous areas and large hemorrhagic crust. There will be surface scale surrounding white collarette will be there. Port wine stain. The two pictures are showing the treatment is affecting or not. So the picture A is showing the deep pattern and the only bright red globules can be seen, which are predictive for a good response to laser treatment. By contrast, the presence of a gray veil as seen in picture B is due to a vascular plexus in deeper parts of the skin and is indicative of poor response to laser treatment. So this is the comparison. Kaposi sarcoma. Vascular tumor caused by proliferation of spindle and endothelial cells forms slit-like vascular spaces. On dermoscopy, there will be bluish-reddish pattern with multicolored areas known as rainbow pattern. There will be a scaly surface, clots, collarette sign, serpentine vessels, dotted or curved vessels. You can see the rainbow pattern. These are some dermoscopic pictures. Is this Kaposi sarcoma? It's showing rainbow pattern. Let's see. A big no. It's not. Dermoscopy reveals a few classic features, including reddish homogeneous areas, whitish veil, and rail lines. In addition, the lesion manifests the rainbow sign. The rainbow sign we can see in other lesions also, like SCC, BCC, they can also show rainbow signs, but not always. Oftenly, it shows the rainbow signs. That's it. Take home message, it doesn't matter how many resources you have, but if you don't know how to use them, it will never be enough. Thank you. अच्छा ठीक है, आप लोगों की स्किन कवर हो गई, हेयर भी कवर हो गए, अब नेल्स रही हैं. तो ये बस नेल्स की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है. और आई वुड लाइक टू टेल कि ये डॉक्टर फातिमा ज़हूर जो है हमारी रेजिडेंट है, एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग रिसर्च ऑन दिस ओनिकोडर्मेटोस्कोपी. इनका जो टॉपिक है रिसर्च का वो भी इसी से रिलेटेड है. तो ये अपने पेशेंट्स के भी कुछ इमेजेस आपको दिखाएंगी. एंड हेयर आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन another resident हमारे डॉक्टर उमेर मेमन हैं, वो भी डर्मेटोस्कोपी पे रिसर्च करें. उनका इंटेमो डर्मोस्कोपी उनका टॉपिक था.
तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी अपने रियल पेशेंट्स की इमेजेस और अपना जो अभी तक का उनका रिसर्च वर्क था वो उन्होंने प्रेजेंट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो ही कुडंट मेक इट टुडे, बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम फॉर ऑल हिज एफर्ट्स, डॉक्टर उमैर मोमिन. सो नाउ आई वेलकम डॉक्टर फातिमा ज़हूर. Assalamu alaikum. Today the topic of my presentation is onychodermoscopy, and because of shortage of the time I'm going to skip the nail anatomy. You all must be knowing about the anatomy of the nail. So I'm directly going toward the images of the onychodermoscopy, and I'm going to tell you about different images and a difference in different disorders. So as you all know, it helps in identifying the type of the pigment, the origin of the pigment, and with the help of these features we can it helps in determine the most appropriate biopsy technique to maintain the cosmosis. Its advantages, it's non-invasive, but here it also has a disadvantage, which is the anatomy of the nail itself, because sometimes just longitudinal melanoma nichea have pigmented band does not always correspond to the potentially abnormal matrix cells. तो इसलिए कभी कभी ऐसी लीजन्स आती है तो हमें बायोप्सी को डायरेक्ट कंसिडर करना पड़ता है. ओके, द मोस्ट कॉमन इमर्जन टेक्निक और इमर्जन फ्लूड इज अल्ट्रासाउंड जेल, बिकॉज इट रेंडर्स द स्ट्रेटम कॉर्नियम ट्रांसल्यूसेंट, एंड बिकॉज ऑफ इट्स डिक्रीज विस्कोसिटी इट परमिट्स इट टू स्टे ऑन द नेल प्लेट एंड फिल द कॉनकेविटीज ऑफ द नेल. Okay, as you all know, before taking any examination, practical approach, personal history and examination is very important, and these are all the features: age, when the patient first noticed, what was the color of the lesion, what is the profession of the patient, is he an athlete or he has recent trauma, etc. So now coming starting from the longitudinal melanoma nichea. Longitudinal melanoma nichea can present as gray pigmented band or brown pigmented band. Gray pigmented band is due to melanocyte activation, and brown is because of melanocyte hyperplasia. Can anybody tell me the difference between activation and hyperplasia? Yes, in hyperplasia the number of melanocytes is increased, in activation the amount of melanin is increased. So most common example in gray pigment is lentico, drug induced pigmentation, and ethnic pigmentation, and for brown pigment is nevus and melanoma. Okay, so brown pigment can be regular and irregular. This is a dermoscopic image that I have taken in OPD, and it is regular pattern. It has longitudinal parallel line with regular spacing and thickness, and this one is the irregular pattern which shows is a irregular disruption of the parallelism, irregular spacing and thickness, but most commonly the background color is brown in such lesions, but color variations can also occur. Okay, this is the picture that I have taken from Brooks, and it clearly shows the difference between the gray brown and regular and irregular pattern. Okay, these are the few causes of melanoma nichea in which I want to emphasize on the drug and the radiation portion, because hum commonly OPD mein drugs use kar rahe hote hain aur hame pata nahi chalta ki inki wajah se bhi longitudinal melanoma nichea ho sakta hai. Isme most commonly used are antimalarials, chemotherapeutics, cyclophosphamide, hydroxyurea, 5-fluorouracil, aur hamare derma ke point of view se sorelins and steroids. And even tetracyclines can cause this. Some endocrine disorders like Addison's disease, acromegaly, Cushing's disease, and hyperthyroidism, vitamin B12 deficiency, and folate deficiency can also result in this. Inflammatory dermatosis, psoriasis, lichen planus, and amyloidosis. And in connective tissue disorder, systemic lupus erythematosus and scleroderma can also result in longitudinal melanoma nichea. Two other syndromes I want to highlight are Peutz-Jeghers syndrome and Lodgier-Hunziker syndrome, jinka part hai longitudinal melanoma nichea. Okay, sirf nail plate ki dermoscopy karna zaruri nahi hai, nail age ki dermoscopy karna bhi bahut zaruri hai agar aap kar rahe hain, because uski help se examination of free nail plate can help determine whether the origin of the pigment is from proximal end or distal end, or iski wajah se in turn it will help isolate which part of the matrix may need to be biopsied, matlab sara nail nikalne ki zarurat nahi hai. And okay, now coming to the common onychoscopic findings, this is subungual hematoma,
and it has three important points like homogeneous brownish reddish pigmentation without evidence of melanin inclusions. Kisi ko melanin inclusion ka idea hai, what is melanin inclusions in the nail? हाँ, मेलेनोसाइट्स की हो जाती है, लेकिन अगर इसमें आप देखें सबंगल हेमाटोमा में, तो अगर आप मेलेनोमा या मेलेनोसाइटिक लीजन से डिफ्रेंशिएट करें तो इनका कलर कंपैरेटिवली रेड होता है और इनके साइजेस इररेगुलर होते हैं और उनका कलर ब्राउन नहीं होता है. एंड सेकेंडली देयर विल बी मल्टीपल रेडिश ग्लोब्यूल्स जैसे मैंने अभी बताया, और स्ट्रीक लाइक पैटर्न्स. अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मार्क भी कर लिए हैं, दीज आर स्ट्रीक लाइक पैटर्न्स एंड दीज आर द ग्लोब्यूल्स एंड बैकग्राउंड रेड एंड ब्राउन कलर इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड. This is the picture that I took in OPD with our departmental dermoscope, जिसमें आप globules भी appreciate कर सकते हैं और आगे से subungual hematoma भी appreciate हो रहा है. Okay, second most common presentation is onychomycosis. Onychomycosis के कुछ features हैं, different features हैं जो हम dermoscopy से easily identify कर सकते हैं. These are onycholysis, spiked pattern, subungual hyperkeratosis, distal irregular termination, chromonychia, linear age, longitudinal transverse stria pattern. तो ये भी मैंने ओ पी डी में ही पिक्चर ली है, एंड द एरो शोज द स्पाइक पैटर्न, स्पाइक्स हैं. सेकेंड वन में दिस इज क्रोमोनाइकिया, यू कैन सी द वेरिएशन ऑफ द कलर, इट वेरीज फ्रॉम येलो, ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक. This is onycholysis with distal irregular termination. These all pictures are taken in 10x magnification, and this is in 40x magnification, jisme clearly distal irregular termination. Housewives most commonly linear age pattern ke saath aa rahi hoti hain, jo kitchen work zyada kar rahi hoti hai. To usme this is the involved area, and the arrow area shows the linear age of the lesion. Longitudinal stria pattern, these white are a longitudinal stria pattern, these white lines longitudinal. And horizontal stria pattern. And finally, subungual hyperkeratosis. This is the picture of a patient who was almost 66 years old, and he had chronic onychomycosis. He was not taking any treatment. So this is a very beautiful picture of subungual hyperkeratosis. Okay, now coming towards the towards lentigo. Okay, lentigo should be differentiated from the gray band of drug-induced melanonychia. इसमें यह है कि मेलेनिन इंक्लूजन्स एब्सेंट होती हैं, ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, और इनकी लाइंस कंपैरेटिवली पैरेलल होती हैं. ठीक है, ये स्लाइड इधर नहीं है. सेकंड वन इज नेवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. दिस इज़ द क्लिनिकल इमेज ऑफ द पेशेंट, एंड इन दिस इज़ द डर्मोस्कोपिक इमेज. अच्छा, ये भी बेनाइन नेवस है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि मेलेनिन इंक्लूजन्स तो हम मेलानोमा की तरफ सोच रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सिर्फ मेलेनिन इंक्लूजन्स आपको मिल रहे हैं तो वो मेलानोमा है. इसमें आप बैकग्राउंड दूसरी चीज़ें भी देखेंगे, लाइक लाइन की रेगुलर स्पेसिंग है कि नहीं है, या लाइन की मॉर्फोलॉजी कैसी है. तो इनकी आप बैकग्राउंड में नोट करें तो लाइन्स की मॉर्फोलॉजी इज़ रेगुलर, एंड उसके और लोब्यूल्स भी अप्रिशिएट हो रहे हैं. और भी एक चीज़ अप्रिशिएट हो रही है, वो आप बताएंगे मुझे इस पिक्चर में, बताएं. यस, दिस इज़ कॉल्ड सूडो हचिसन साइन. Pseudo Hutchinson. This is a heavily pigmented nevus of the nail matrix, and melanoma of nail. This is isme to obviously aapko melanin inclusions bhi milengi, or disruption of the parallelism bhi milegi, irregular spacing bhi milegi, cuticle and the lateral nail fold as well. Okay, finally glomus tumor. And what is the origin of glomus tumor? Yes. So in dermoscopic image will show ill-defined linear areas with structureless blue area and linear vessels. A image shows the ill-defined linear area with structureless blue area, and B1 is a linear vessel appreciated on the dermoscope. Thank you very much. So with this, we come to the end of our presentations. Commodore Bari for the concluding remarks. So, concluding remarks already almost ho gaye hain, so bas I must thank all of you for this much endurance and this much patience. Ke ye waqai, this is really hard to listen for such a long time. तो इसमें वी हैव ट्राइड टू मेक इट सम इंटरेक्टिव ऑल्सो, और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एलेबोरेट और करने की कोशिश की है. तो इट इज़ रियली इम्पॉसिबल कि हम सारी चीज़ें जो है इसमें कवर कर सकते. तो व्हाट वी डिड के हमने थोड़ा हाईलाइट किया, हर चीज़ को टच करने की कोशिश की है.
तो इसकी दिस इज एवर एक्सपेंडिंग फील्ड जिसमें हम जो है अब फर्दर एवेन्यूज हैं। तो इसमें हमने अपने को 4-5 पोस्ट ग्रेजुएट्स को एक दिए भी हैं, इसके टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, इसके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी दे हैव डन। और एक चीज़ जो आपने देखी है, व्हाट वाज डिफरेंस इन दिस वर्कशॉप एंड द प्रीवियस वर्कशॉप, कि इस वर्कशॉप में हम अपने पेशेंट्स की पिक्चर्स भी डाली हुई हैं। मतलब इनिशियली हमने तो बुक से हेल्प ली थी और सारा एटलस से थी, तो इसमें काफ़ी हद तक जो है ना हर किसी ने रियल पेशेंट जो है जो हम एनकाउंटर करते हैं इसमें रूटीन ओपीडी में, तो उनकी पिक्चर्स भी इसमें शामिल थी। और नाउ ऑन जो है ये ज़्यादातर वही पिक्चर आएंगी, क्योंकि अभी हम 4-5 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है इसको ये प्रोजेक्ट्स के तौर पे रिसर्च का टॉपिक्स दिए हुए हैं। इस तरह नेल डर्मेटोलॉजी नेल डर्मोस्कोपी पे ऊपर है, ट्राइकोस्कोपी के ऊपर है, स्केबीज के ऊपर, डर्मोस्कोपी के ऊपर है, एंड सो ऑन, एलोपेशिया के ऊपर जो है वो डिफरेंट पैटर्न हैं। तो ये सारी जो हैं दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तो सिर्फ इसका मकसद ये था कि एक सेंस ऑफ अवेयरनेस हो हमें कि ये भी एक डायग्नोस्टिक मोडेलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम सब के जो है आर्मामेंटेरियम में होनी चाहिए। तो विद दिस आई थैंक वंस अगेन ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्टिविटी, और बाकी जो है ऑल द प्रेजेंटर हु डिड देयर वेल टू प्रेजेंट देयर प्रेजेंटेशंस। तो ये सब वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।